नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल लेट पीएम लाइव में। जिनको भी आना हो, सवाल पूछना हो, आके पूछ सकते हैं। तब तक मार्केट अपडेट कर दूं मैं। निफ्टी जो है 8 पॉइंट डाउनफॉल के साथ 17,101 पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 76 पॉइंट डाउनफॉल के साथ 57,200 पे क्लोज हुआ है। आज के टॉप गेनर्स हैं एनटीपीसी, यूपीएल, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक। आज के टॉप लूजर्स हैं मारुति, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। आज के 6 सेक्टर का वेट दे दूं मैं आपको। ऑटो सेक्टर जो है -0.59% डाउनफॉल में क्लोज हुआ है। बैंकिंग सेक्टर जो है -0.71% डाउनफॉल में क्लोज हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर जो है +0.62% अपसाइड में क्लोज हुआ है। आईटी सेक्टर जो है +1.13% अपसाइड में क्लोज हुआ है। मेटल सेक्टर जो है आपका +0.37% अपसाइड में क्लोज हुआ है। और फार्मा सेक्टर जो है आपका +1.05% अपसाइड में क्लोज हुआ है। ये आज के अपडेट थे। बाकी जो कॉर्पोरेट एक्शन है मैं पोस्ट करता रहता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन कुछ भी नहीं है फिलहाल। अभी जो सवाल है आपके लेना मैं स्टार्ट करता हूँ। सर, आई हैव एलएनटी फाइनेंस एंड सीएससी शेयर्स एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, बस ये तीन कंपनी से आई हैव कीप फॉर लॉन्ग टर्म, आई हैव कीप फॉर लॉन्ग टर्म। प्लीज टेल मी एनी डिफरेंट स्टॉक्स टू बाय, आई विल डू दैट। बट ये थ्री स्टॉक्स इससे पहले आप नैम इंडिया में थे, ठीक है। तीनों कंपनी अच्छी है, मैंने बता रखा है। एलएनटी फाइनेंस आप होल्ड कर सकते हो। मैं चीजें मैंने क्लियर कर रखा है आपको। डाउनफॉल देख सकते हो तो होल्ड कर सकते हो आप, दिक्कत नहीं है। सीएससी रिवेन्यू वाली कंपनी ऐड कर सकते हो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। मैंने 12th कंपनी का जो लिस्ट बना के डाल रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, वीडियो बना के डाल रखे हैं। 12th कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड देने वाली, आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। सर, एयरटेल आफ्टर द न्यूज ऑफ गूगल बाइंग स्टेक, क्यों न्यूज के पीछे पड़ते हो? सर जी ऑलरेडी बोल रखा है चीजें, आप अच्छी चूज करो, बने रहो, ठीक है। न्यूज के पीछे हो अगर मान लो, ठीक है, चला चला नहीं चला तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। कंपनी चूज क्या करो, ना कि आप न्यूज पे जो है कंपनी इन्वेस्टमेंट क्या करो। वर्कआउट नहीं कर पाएगा, पोर्टफोलियो देखो वर्कआउट करता है नहीं करता, ठीक है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पोर्टफोलियो का, ना कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं पैसे कैसे बनाऊँ शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में वर्कआउट नहीं कर पाएगा। चीजें आपके हाथ में, पैसे आपके, मेरे पास बताने के लिए है, बस मैंने बता रखा है, ठीक है। सर, मेरे पेटीएम मनी का अकाउंट मार्च 2021 में ही क्लोज हो गया था, मगर अभी भी रिटेंशन स्टेटमेंट घर कुरियर से आता है, क्या करें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर रिटेंशन स्टेटमेंट घर कुरियर से आता है तो ध्यान रखना, वो कुरियर का चार्ज ऐड कर रही होगी फंड्स पे। क्लोज कर दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लोज कर दिया तो क्यों हो रहा है। एक बार आप सपोर्ट टीम से बात कर लो, क्या बोलते हैं इसके वाले, पेटीएम मनी वाले से, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। क्या है, नहीं है अकाउंट क्लोज करने का कोई भेजता नहीं, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो कोई घर भेजता नहीं है, ठीक है। हाय सर जी, कैसे हो आप? सर, विप्रो एंड इन्फोसिस ऐड कर सकते हो, मैंने बोल रखा है, कॉशस ही रहना आईटी वाली कंपनी पे। सिपमोड में ऐड करो तो बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऐड कर सकते हो। सर, लक्या लैब्स एंड टीटीएमएल? बिल्कुल नहीं सर जी, दोनों कंपनी नहीं, ठीक है। मैं बहुत टीटीएमएल तो 2 रुपीज से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सर जी मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना। तो ना कंपनी जो है अच्छी नहीं है, मतलब नहीं है। बाकी आपको ऐड करना सर जी कर सकते हो, आपका आपका रिस्क है, मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू दोनों कंपनी में नहीं है। सर जी, अंडर 50 वाले स्टॉक्स बाय करने में आप कौन सा सजेस्ट करते हो? सर जी, मैं कोई भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कंपनी देखता हूँ सर जी, बिजनेस देखता हूँ ना, मैं प्राइस देखता हूँ। प्राइस मेरा जो है वर्कआउट नहीं करता सर जी, मैं प्राइस वाले काम नहीं करता कि प्राइस वाले स्टॉक्स बोलूं। मेरा काम होता है फंडामेंटल चूज करके बता देना, उसको ट्रैक करना, सवाल लेना आपके। ये वाला काम मुझे नहीं आता सर जी, 50 रुपीज से कम वाला कौन सा स्टॉक है। मैं क्वालिटी देखता हूँ मेनली, क्वांटिटी नहीं देखता, क्योंकि एट द एंड में आपको रिटर्न चाहिए, ना कि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, सही, ठीक है। सिंपल टर्म में ये समझ लो आप, जो कंपनियां अच्छी होंगी वो सस्ती नहीं होंगी, ध्यान रखना। सर, व्हाट अबाउट टाटा पावर, विप्रो? टाटा पावर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से ना है पावर सेक्टर, ठीक है, मेरा कंसर्न अलग है पावर सेक्टर पे। मेरे पास दूसरी कंपनियां अवेलेबल हैं जो रिटर्न दे सकती है, मैंने बता रखा है आपका। विप्रो ऐड कर सकते हो, उससे पॉइंट में रहना बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। डाउनफॉल दिखा सकती है नेक्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर का रिजल्ट इसका मेनली क्रूशियल होगा, और नेक्स्ट क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर मान लो इसका डाउनफॉल रहता है, इसके क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स में, अर्निंग्स में, तो थोड़ी बहुत आपको जो है दिक्कत हो सकती है। इन द सेंस, तो दिक्कत का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आ सकता है, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बस और कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो चीजें जो है क्लियर, बिल्कुल जो है अर्निंग्स के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस जो चला आता है। सर, एक्सप्लेन टाटा मोटर्स करंट प्राइस 500 है, अगर 550 पुट बाय किया तो प्रोफाइल का लॉस कैसे होगा? सर जी मैं बता दे रहा हूँ आपको, टाटा मोटर्स का 500 का है, 550 का पुट बाय कर रहे हो, 550 का पुट बाय कर रहे हो मतलब सर जी आप ऑलरेडी इन द मनी में हो, ठीक है। आप 50 पॉइंट से इन द मनी में हो। अगर मान लो टाटा मोटर्स ऊपर जाता है, पुट बाय कर रहे हो ऊपर जाता है, तो आपको जो है कंसर्न होगा, वो जो है आपका आउट द मनी जाता रहेगा, तो आपका टाइम डीके जो है वो भी होगा आपका, प्लस इन द मनी में ऑलरेडी हो, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस है। दोनों कंसर्न रहने वाले हैं, तो चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है।
आप क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने कॉल बाई किया, करंट टाटा मोटर्स है, आपका पुट बाई करोगे, चीजें जो है वैसे वर्कआउट नहीं करती, ठीक है। अब देख लेना क्या है, ऑलरेडी जब स्टॉक्स ले रखा टाटा मोटर्स तो बने रहो, टाटा मोटर्स में कंसर्न नहीं है फिलहाल भी, ठीक है। ऑटो सेक्टर में कंसर्न नहीं, और गिरना होता गिर गई होती, मार्केट इतने नीचे है फिर भी जो है चीजें जो है वर्कआउट उतनी तेजी से नहीं डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अर्निंग्स का मेन वेट है, देखो अर्निंग्स कैसा आता है, जो भी चीजें होंगी दिया आपको चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। पीएनबी से जी बिल्कुल प्रॉफिट की है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको ऑलरेडी प्राइवेट बैंक अवेलेबल है अच्छे अर्निंग्स पे, उसको आप यूज करो, यूटिलाइज करो, ऐड करो बजाय किसी पीएसयू बैंक पे, वो दिक्कत हो जाएगी सर जी आपको। सर डीमार्ट और नौकरी में कौन सा स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा? मेरे तरफ से दोनों में से कोई नहीं है फिलहाल अभी, अगर आपको एक लेना है तो डीमार्ट ले सकते हो, लेकिन मेरा फिलहाल जो है अभी वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, चीजें अच्छी रेट पे आएंगे तब ले लेना। नहीं डीमार्ट जो है फिलहाल मैं जो अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। हिंदुजा ग्लोबल सर जी ना, मैं इस पे जो है वेट नहीं करूंगा, करने के लिए बोलूंगा। एनईटी फाइटर ऑलरेडी अवेलेबल है, आईटी कंपनीज अवेलेबल है, उस पर बैठ करो सर जी, ठीक है। मेनली कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, ठीक है, डाउनफॉल नहीं देख सकते, बेटर है आप जो ऑलरेडी कंपनीज अवेलेबल है उस पर बैठ करो। डीमार्ट पॉलीकैब रिलायंस, रिलायंस ले सकते हो, डीमार्ट पॉलीकैब फिलहाल अभी छोड़ दो, जब आएगा तो मैं चीजें बता दूंगा आपको। सोना बीएमडब्ल्यू से बता रखा है मैंने, इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल अभी नहीं है। मदरसन सुमी बेटर ऑप्शन है, भारत फोर्ज और आप देख सकते हो मोमेंटम बेटर ऑप्शन है, दो कंपनी मैंने बोल रखा है, फिलहाल अब इसको जो है छोड़ दो, ठीक है, देखते हैं कैसा होता है नहीं होता, फिलहाल जो है देखेंगे, वेट करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। आप भारत फोर्ज, मदरसन सोमी, दो कंपनियां पे बेट कर सकते हो मोमेंटम के साथ, वो आपको देखना पड़ेगा। सर मेरा कमेंट डिलीट हो जा रहा है, सर मुझे पता नहीं डिलीट क्यों हो जा रहा है, क्या किया है नहीं किया मुझे, मैंने कीवर्ड ब्लॉक कर रखे हैं एबीजी वाले, तो शायद कुछ वैसा लेता होगा या फिर मान लो कुछ भी होगा, मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है, कमेंट जो आ रहे हैं मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सर विप्रो अदानी विल्मर आईपीओ ऐड कर सकते हैं, विप्रो से पॉइंट में रहना बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अदानी विल्मर का आईपीओ अप्लाई कर दो, अप्लाई करो इसको जो है, नीचे भी जाएगा तो मुझे चीजें पता है कैसे है नहीं, ऐड कर लेना इसको, इसको इसको आप अप्लाई कर सकते हो। मार्च तक आपको जो है एलआईसी का आईपीओ चलाएगा, टीम अकाउंट ऑलरेडी होंगे सबके पास, ठीक है, बिल्कुल जो है आपको जो है ऐड करना एलआईसी वाला आईपीओ। बेस्ट व्हाइट गुड स्टॉक्स सर जी मैं समझा नहीं सर जी, बेस्ट व्हाइट गुड स्टॉक्स मैं सवाल सब समझा नहीं सर जी आपका क्या है, क्या पूछ रहे हो? सर अगर एफआई सेल करते हैं तो कोई ना कोई बाई करता होगा, फिर मार्केट पे इफेक्ट क्यों पड़ता है सर जी? कोई ना कोई बाई का मतलब नहीं होता सर जी, वो इंस्टेंटली, ठीक है, अगर ऐसा होगा इंस्टेंटली मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई किसका है, अगर डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आएगी। कोई ना कोई बाई का मतलब नहीं, मान लो आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, मार्केट में ऑर्डर प्लेस किया तो जाहिर सी बात है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उस प्रोपोर्शनेट में आ गई तो मार्केट एब्जॉर्ब कर पाएगी आपको, उस प्रोपोर्शन में डिमांड नहीं आता जाहिर सी बात है मार्केट जो है नीचे आने वाला है, ठीक है। अपोजिट जो है इसका आपका बाइंग में, ठीक है सर जी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपका व्यू नहीं सर जी, इस पर मेरा व्यू नहीं है सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर नहीं होता कंपनी में मैं नहीं बोलता, ऑलरेडी कंपनी में अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, तो चीजें सही है मेरे नजर में सही है, मुझे जो चीजें सही लगती है, बिजनेस पता हो मुझे कंपनी का, मैनेजमेंट पता हो मैं वही कमेंट करता हूँ, मुझे जिस चीज का के बारे में मुझे फिलोसफी में वर्कआउट करना पसंद नहीं, ठीक है, कि बोल दूं मैं आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा वर्कआउट नहीं कर पाएगा, पैसा आपका है सर जी तो ध्यान रखना। हीरो मोटोकॉर्प सर जी बने रहो, हीरो मोटोकॉर्प मारुति सुजुकी सर, मैंने पेटीएम मनी से बोला था, उन्होंने कहा कि हमें आपका अकाउंट डिलीट कर दिया है, अब कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, बस ये पूछना है कि जब अकाउंट क्लोज होता है तो सर वो मुझे आइडिया नहीं सर जी, ठीक है, तो क्या आ रहे हैं सर जी मुझे आइडिया नहीं है सर जी, वो उनसे पूछो आप, ये मैंने कभी चीज देखा नहीं है अकाउंट क्लोज मतलब क्लोज होता है, ठीक है, आप उनसे ही पूछ लो क्या है नहीं है आपका, वही आपको हेल्प करेंगे, उनको बोलना क्या आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में कभी काम नहीं किया, ठीक है। सर लास्ट ईयर बजट में इंडियन मार्केट 11% ऊपर था, क्या यही सिचुएशन इस बजट में होगा, इस सिचुएशन में रसिया और यूक्रेन? मैं सर जी फिर से बोलता हूँ, मैं चीजें पे जो है ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, क्या है नहीं मुझे पता है एट द एंड में आने वाला है, मुझे बस चीजें चूज करनी है बैठना है। आपके लिए लगता है मार्केट क्रैश जो है दिक्कत हो सकती है, मैं चाहता हूँ मार्केट क्रैश हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, दोनों की समझ बिल्कुल अलग है, दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, तो आपको लगता है मार्केट नीचे आता है तो मेरे पास पैसे लॉस हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, मुझे अपोजिट लगता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता, मार्केट ऊपर है तो भी ठीक है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में हूँ, मार्केट नीचे आएगा तो भी ठीक है, मैं ऐड करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, मुझे क्या चूज करना है, कितना टाइम के लिए बैठना है कैसे हैंडल करना है इन्वेस्टर को, उसमें मुझे जो है दिक्कत नहीं, ठीक है,
तो ये मेरा स्किल नहीं है सर जी कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं इस पे काम करता ही नहीं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ चीजें जो है मैं क्लियर करके रखता हूँ क्या है नहीं है, बिल्कुल क्लियर रखता हूँ मैं चीजें क्या है नहीं है। टाटा एलेक्सी के बारे में सर कुछ गाइड कीजिए, ऑलरेडी होल्डिंग्स में है, टारगेट का क्या होना चाहिए? टारगेट मुझे आइडिया नहीं है, कब से होल्डिंग्स में हो सर जी, प्रॉफिट अच्छी मिल रही है, प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है, वो काम आप कर सकते हो। मैं मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनी पे फिलहाल जो है मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, NET/FIT ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर बैठ कर सकते हो, ज्यादा सही रहेगा। सर बोनस इशू के बाद मिड कैप और ऑफ कंपनी में क्या चेंजेस आते हैं? कोई चेंजेस नहीं आता बोनस इशू के बाद, जो है सिंपल आपका जो फ्री रिजर्व है शेयर्स, मतलब क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, मार्केट कैप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मतलब आपके वैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मिड कैप का जितना वैल्यूएशन था उतना ही वैल्यूएशन रहने वाला है, ठीक है। अब देख सर हाउ टू इन्वेस्ट इन निपॉन इंडिया ऑटो ETF, NETF ऑटो करके सर्च करो, मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर का कोड वर्ड वही है NETF ऑटो, ट्रेडेबल है मार्केट में, वो बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। पेनी स्टॉक्स विथ वीकली एंड मंथली रिटर्न से जी पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साइड से पॉसिबल नहीं सर जी, मैं ये काम नहीं करता, मुझे आइडिया नहीं सर जी। यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है सर जी, जो मल्टीपल स्टॉक्स के नाम पे आपको बता देंगे कौन सा किस में जल्दी पैसा बनता है, बहुत अच्छे से पैसा बनता है सर जी, आप कर सकते हो सर जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सर जी, मैं ये सब काम नहीं करता, सिंपल, या मुझे आता है या नहीं आता, मेरा तीसरा काम नहीं है सर जी, ठीक है, या मुझे आता है या नहीं आता है, मैं एंटरटेनमेंट वाला काम नहीं करता किसी को। सर ऑटो ETF अभी तक डीमेट में नहीं आया सर जी, देखो डीमेट में आ चुका है, मैं एक्सिस डायरेक्ट में देखा हुआ था मैंने, तो एक्सिस डायरेक्ट में मैंने जो म्यूचुअल फंड में दिखा रहा वो NETF ऑटो, ठीक है। सेल करने जाना तो वो बोला ऑनलाइन सेल करने के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए इन द सेंस, मुझे समझ में आ गया कि वो बोला थ्रू म्यूचुअल फंड वेबसाइट जो है एक्सिस का, उसके थ्रू आप सेल करो, तो वो है जो भी है मैं देख के बता दूंगा आपको। डीमेट में आ चुका है SBI सिक्योरिटीज में, वो जो है दिख नहीं रहा है, म्यूचुअल फंड्स में दिख रहा है वो, ठीक है, होल्डिंग्स में नहीं दिख रहा, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा, मैं उसके रिगार्डिंग में बस टाइम नहीं है फिलहाल, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ, मैं देख के गाइड करके बता दूंगा, पैसे कहीं जाते नहीं है आपके यहाँ पे, वहीं पे है, बस सेल करने का तरीका क्या है मैं देख के बता दूंगा उसमें, ठीक है, बने रहो, दिक्कत नहीं है आपको। सर डाउन इन डाउनफॉल मार्केट में से टू बाय, जो कंपनी की समझ हो आपको, मेनली आप जो है ETF अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है उस पर आप बेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं तो ETF अवेलेबल है उस पर बेट कर सकते हैं। कंपनी टॉप 100 की जो भी कंपनियां हैं वो आपके लिए द बेस्ट, ठीक है, वो आप उसको जो है आप ऐड कर सकते हैं आप उसमें। सर मेरे पास LIC और मारिको दोनों की 180 शेयर्स हैं और ले लूं सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप 10-15% LIC, मैं फिर से बोल रहा हूँ LIC फिर से नीचे आ सकती है, होता होगा तो, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट LIC पे बिल्कुल क्लियर है, हाउसिंग फाइनेंस पे, ठीक है, बिल्कुल बिजनेस क्लियर है इसका। अर्निंग्स आज नहीं तो जब भी इकोनॉमी बिल्कुल क्या बोलते हैं फिर से चीजें क्लियर होंगी आपका, हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग सेक्टर के रिगार्डिंग फिर से बूम आएगा, वो आने वाला है, इकोनॉमी 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ठीक है, तो चीजें क्लियर हैं, होल्ड कर सकते हो, बने रहो, बेटर ऑप्शन रहेगा। सर आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, वेयर टू डू आई इन्वेस्ट, मारुति और टाटा मोटर्स, दोनों कंपनी अच्छी है, बस डिपेंड करता है मोमेंटम कितना देख पाओगे, ठीक है। अब वो वाले इन्वेस्टर हो सर जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस 320 आ गया, सेल कर दो 400 पे, मैं आपको चीजें क्लियरली पहले ही बोल रखा हूं सबको, लार्ज कैप में 5-6 ईयर्स, मिड कैप में 5-7 ईयर्स, सॉरी बोलता हूँ, लार्ज कैप में 3-5 ईयर्स, मिड कैप में 5-7 ईयर्स, स्मॉल कैप में 7-10 ईयर्स का हॉरिजन है, इन्वेस्ट करो, नहीं हॉरिजन है मत करो, ठीक है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है स्टॉक मार्केट कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर जो बाय कर रहा है किसको, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, वो जो बाय कर रहा है उसको प्रॉफिट चाहिए, फिर वो सेल करेगा प्रॉफिट में, तो जो बाय करेगा उसको प्रॉफिट चाहिए, तो ये पॉन्जी स्कीम नहीं चल रहा, ठीक है, सिंपल टर्म ये समझो, चीजें क्लियर हैं, प्रोस्पेक्ट क्लियर हैं, पैसे बन जाएंगे, नहीं क्लियर है फिर जो है दिक्कत, फिर कोई एडवाइजर जो है आपको जो है पैसे बना के नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या है नहीं, ठीक है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कैसा है सर जी, कमाल का स्टॉक है, बने रहो उसके आप ऊपर, ठीक है। HDFC और HDFC बैंक फॉर 10 ईयर्स, बने रहो, HDFC के जितने भी बिजनेस है बने रहो, ठीक है, बने रहो बस। PVR पे आपका व्यू सर जी, मेरा व्यू बहुत पहले से PVR पे क्लीन है, बने रहो, ठीक है। ये आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आता है, इसको आप OTT से कन्वर्ट क्या बोलते हैं कंपेयर मत करें, इसका जो क्रेज आने वाला नहीं, ना कोई कंपनी आने वाली है जो पैन इंडिया जो है ऐसी फ्रेंचाइज खोल सकती है,
इन्फ्यूज बहुत करती है तो वो, लेकिन ऑलरेडी पीवीआर्स अवेलेबल है, आइनॉक्स अवेलेबल्स है, ठीक है, और चीजें क्लियर हो रही है, ऐड करना ऐड करते रहो, आपको टाइम देना पड़ेगा सर जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चीजें समझ में होता है, आप इन्वेस्ट करो, नहीं होता फिर दिक्कत है। ETF म्यूचुअल फंड अवेलेबल है आपके लिए, सही रहेगा। आप ऑल टाइम हाई भी बाय करोगे या फिर मान लो वो चीजें रैली मिस होने के बाद बाय करोगे तो दिक्कत है, आपको बैठना पड़ेगा सर जी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, टाइम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। जीएम प्रॉफिटर और एचएलई ग्लासकोट, एचएलई सर फिलहाल भी छोड़ दो, जीएम प्रॉफिटर आप ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो का। अदानी बिल्डर में अप्लाई किया हूं, जीएमपी डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, करो उसमें, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी तो करो। अगर अदानी के शेयर्स में रैली आती है फिर से, जो कब कब वो ऊपर चला जाए पता नहीं, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है वो पता ही है आपको, ऑलमोस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरर सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इसका क्लियर है, इसका लीडिंग प्लेयर है आपका, क्या बोलते हैं, एडिबल ऑयल में फॉर्च्यून, ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल, आपको क्लियर दिखता है। तो अदानी वाले में जब भी आएगी रैली है फिर जो भी चीजें हैं बिल्कुल मैनेजमेंट क्लियर है इसका, ऐड कर सकते हो, बने रहो उस पर लेके आप, ठीक है। एक कंसर्न हो सकता है कि मान लो अदानी के शेयर्स में रैली है, ठीक है, और मान लो वो चीजें जो है वर्कआउट नहीं करती है, फिर वो डाउनफॉल होता तो दिखाएगा आपको, लेकिन बने रहो, चीजें पता हो तो आपको। व्यू ऑन पैन इंडिया सर जी, मत सवाल में समझाने से पैन इंडिया का मतलब क्या पूछ रहे हो, ठीक है, बताओगे तो मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। नमस्कार सर जी, कैसे हो आप सर, डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपका व्यू नहीं सर जी, मेरा व्यू नहीं, मेरा स्टार्टिंग से व्यू नहीं सर जी, मैं कब से नहीं बोल रहा हूँ, चीजें मुझे समझ नहीं आ रही सर जी, कंपनी क्या है नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, मैं एडम्पशन कर सकता हूँ लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस बिजनेस पे। असेंबलिंग करती है मेनली पार्ट्स का, जो भी इनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका, ये शिफ्ट कैसे चेंज होगा, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगा, मुझे जो है आइडिया नहीं है इसके बारे में, कंपनी के बारे में, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मेरा स्टार्टिंग से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरे तरफ से ना सर जी, ठीक है, मैं सिंपल लगता हूँ चीजों को। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा शेयर अच्छा है सर जी होगा, मैं 33 स्टॉक का लिस्ट बना रखे हैं, आपको ऐड करना कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल रखा है म्यूचुअल फंड और ETF का लिस्ट, जो भी आपको ऐड करना कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है उसमें जो है आप ऐड कर सकते हो, ठीक है सर जी। यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रहा है लेकिन ले सकते हैं क्या, आपका व्यू नहीं सर जी, ऑलरेडी अच्छा रहा है सर जी, सिर्फ एक क्वार्टर का अच्छा रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर क्या होने वाला नहीं पता आपको, ठीक है, जब चीजें क्लियर हैं बैंक की, जो प्राइवेट बैंक अवेलेबल है, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो आपका ICICI हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो कोटेक हो, ऑलरेडी उसकी चीजें अच्छी चल रही है, उस पर आप बेट करो, प्राइस मत देखो, क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो, बेटर ऑप्शन रहेगा। अदानी बिल्डर IPO में बेटिंग करनी है चाहिए सर जी, कर सकते हो, ठीक है, अदानी बिल्डर आप अप्लाई कर दो, नीचे भी अगर मुझे पता है क्या करना, कैसे हैंडल करना, बस बने रहना, पैनिक मत होना, बने रहना, बस चीजें सही रहेंगी उसमें। गुड इवनिंग सर जी, SRF रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया है, क्या अभी बाय कर सकता हूँ, नहीं सर जी, इस पर मेरा व्यू नहीं है फिलहाल, अभी छोड़ दो, पता है मुझे सर जी SRF ऑटो एक्सेलरेज कंपनी है शायद, ठीक है, छोड़ दो फिलहाल भी, मिड स्मॉल कैप में जो फिलहाल अभी दूर ही रहो तो बेटर ऑप्शन रहे, ठीक है सर जी। सिंह जी कैसे हो, बहुत दिन बाद आया सर जी आप, सर मैनी मिड कैप स्टॉक्स आर फॉलिंग बैडली बट इंडेक्स इज नॉट गोइंग डाउन, वाई वॉन्ट टू एड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100, वो मिड कैप 100 में स्टॉक है या नहीं वो देखो सर जी पहले आप, बहुत आप TTML को आप कंपेयर करोगे मिड कैप 100 इंडेक्स से, उससे फायदा क्या है, TTML तो माइक्रो कैप वाले में, TTML तो माइक्रो कैप वाले में, उससे मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 को कैप कैप या फिर निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मिड कैप 100 जो 100 में जितने स्टॉक्स हैं टॉप 100 के स्टॉक्स होंगे वो अगर मान लो डाउनफॉल में आते हैं तो इंपैक्ट होने वाला है, कोई दूसरा स्टॉक्स नीचे आता है फिर इंपैक्ट क्यों होने वाला उस पर, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत से लोग TTML एवरेज कर रहे हैं, जो चीजें समझ में नहीं है वो एवरेज कर रहे हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, मुझे पता नहीं यहाँ से ये बाउंस बैक करे फिर से जाए, चीजें जो क्लियर नहीं हो वर्कआउट ना करे उसको छोड़ दो वही अच्छा है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, पैसे मेरे नहीं है, समझ में आ जाएगा क्या है नहीं आपको, जो है वर्कआउट करता है नहीं करता है याद, चीजें जो है समझ लेना, ठीक है, तो क्लियर रखना क्या करना नहीं करना आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं, जो चीजें ऑलमोस्ट गलती हो चुकी है वो चाहे वो सिंटेक्स हो चाहे वो जो भी हो, सिंटेक्स का बात चल रहा है उसमें भी जो है मुझे लगता है पूरी की पूरी लिक्विडेट होने वाली है, वो जैसे DHFL हुआ है ऑलमोस्ट होने वाली है, क्योंकि लेंडर्स को जो प्राइस बिडिंग हो रही है चाहे वो रिलायंस कर रही है चाहे कोई और कर रही हो, ठीक है, जो भी प्राइस बिडिंग हो रही है वो बिडिंग हो रही है मैक्सिमम 2300 करोड़ का, मान लो रिलायंस 2300 करोड़ दे रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए,
उसमें से 2200 करोड़ तो जा रहे हैं उसके पास, लेंडर्स के पास जिसने लोन दिया हुआ है, 2100 में जा रहे हैं उनके पास जहां से उन्होंने सामान लिया हुआ है। इक्विटी वाले के लिए कुछ भी नहीं, आप कुछ भी प्राइस टू बुक वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, एजम्पशन मान लो, एजम्पशन में वर्कआउट नहीं करता। तो चीज ध्यान रखना, पैसे आपके हैं, कुछ भी हुआ बुरा तो पूरा जाएगा। तो जो कंपनियां अच्छी हैं उस पर इन्वेस्ट करो, बेटर ऑप्शन रहेगा। जल्दी पैसे नहीं बनेंगे सर जी, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ, सवाल ही नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है मार्केट में क्या चाहिए आपको, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न चाहिए आपको, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है सर जी, IGL, अमराजा बैटरी, अमारी को, फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक्स जो है वर्कआउट नहीं करेगा सर जी, आप पोर्टफोलियो मत पूछा करो। ठीक है, चीजें अच्छी हैं, बस देखते रहना उसमें। ठीक है सर, अब स्टॉक्स में जब हम सर्च करते हैं तो कैश, कॉमोडिटी करेंसी, NFNO, ये इंडेक्स, ये ऑप्शन आते हैं। कैश मतलब क्या है, कॉमोडिटी करेंसी, कॉमोडिटी सर जी एक सेगमेंट है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का, करेंसी USD, INR, GBP, INR, यूरो, INR, उसका सेगमेंट है आपका। ठीक है, कैश मतलब होता है आपने पैसे पे किए पूरे और आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए। मेनली जब आप स्टॉक बाय करते हो पूरे पैसे पे करके, तो कैश का ऑप्शन आता है, तो आप चूज किया करो कैश का ऑप्शन। ठीक है, प्रेजेंट सर यहाँ पे अटेंडेंस लग रही है क्या? ठीक है सर जी, वेलकम सर। प्लीज टेल हु टू चेक डीमेटराइज प्रोसेस। सर जी मैं सवाल समझा नहीं है आपका, हु टू चेक डीमेटराइज प्रोसेस। डीमेटराइज का मतलब होता है आपने फिजिकल से कन्वर्ट किया हो डीमेट में। ठीक है, हाँ वही होता है। तो आप जहां से भी किया हो 45 डेज का टाइम लगता है, वेट कर लेना, 45 डेज का टाइम लगेगा आपको, 45 डेज का टाइम है, तो आप एक बार देख लेना 45 डेज के अंदर आपका जो काम हो जाएगा। ये आप चेक नहीं कर सकते, ये वेट कर सकते हो आप कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। अगर आपने चीजें डॉक्यूमेंट सब कुछ जो है क्लियरली सेंड कर रखी है, सारा डॉक्यूमेंट जो है आपने क्लियर बिल्कुल क्लियर कर रखा है, तो सिंपल है, 45 डेज तक का वेट कर लो, 45 वर्किंग डेज तक का, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होता है, वेट कर लेना, जो भी प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और शायद आपके पोर्टफोलियो में ना दिखे, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो जो भी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है, CDSL हो या NSDL हो, उसको आप लॉगिन करना, वहां पर चेक करना, दिख जाएगा। ठीक है सर, मैम MFANG और मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100 विच इज बेस्ट? दोनों सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाइवर्सिफाइड चाहिए आपको तो मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100, अगर आपको डाइवर्सिफाइड चाहिए कि मतलब टॉप 100 की आपको स्टॉक चाहिए US की, नेस्टेक की, मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100 है। MFANG में जो है टॉप 10 कंपनियां हैं S&P की, सर वही वो है, तो मोमेंटम ज्यादा रहेगा MFANG में कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड एपेटाइट क्या है आपका, उसके साथ देख सकते हो, दोनों अच्छी हैं, टॉप 10 कंपनीज मिलेंगी आपको S&P की। ऑलरेडी बोल रखा है मैंने, उनका अर्निंग डाइवर्सिफाइड होता है, चीजें उनकी डाइवर्सिफाइड होती है, तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत मतलब इन द सेंस मोमेंटम आप देख सकते हो तो बने रहो। ठीक है, दोनों जो चीजें हैं वो क्लियर है, क्या है नहीं है। सर आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में कितने ड्यूरेशन की होती है? लॉन्ग टर्म होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक मार्केट साइकिल होता है 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स तक आपने अच्छा कर लिया पोर्टफोलियो में, या पोर्टफोलियो आपका अच्छा कर रहा है, तो आप नॉलेजेबल हो, या फिर आपको समझ में आता है क्या करना है नहीं करना है पोर्टफोलियो के साथ, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर आप इंडेक्स बीट कर दो, बाकी छोड़ दो कितना, 25%, 50%, 70%, 80% सर जी, वो एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न है। अगर आप इंडेक्स बीट कर पा रहे हो नेक्स्ट 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, तब अच्छा कर रहे हो। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म होता है 5 to 7 ईयर्स का। ठीक है, मिड टर्म मैं 3 to 5 ईयर्स का मानता हूं, लेकिन वो डिपेंड करता है मार्केट सपोर्ट करे या ना करे। मार्केट सपोर्ट ना करेगा पैसे नहीं बनेंगे, कोई सवाल ही नहीं कि इंडेक्स बीट ना करे आपका पोर्टफोलियो बनता रहे। आपको ये देखना कि इंडेक्स मान लो नहीं बीट किया है, साइडवेज में है या डाउनफॉल में, तो क्या आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो क्या आप कहां जा रहे हो, कि मार्केट डाउन 10% का है, पोर्टफोलियो का डाउन 50% का है, तो वर्कआउट नहीं कर रहा ना। ठीक है, वो चीज देख लेना। मैंने बता रखा है लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का होता है। चीजें इतनी हैं आपके पास, पेशेंस है, चीजें समझ सकते हो, पैसे हैं नहीं है वो बात की बात है, पैसे हैं तो ऐड करते रहो, नहीं है तो देखते रहो, बस दोनों चीजें आपको जो है वर्कआउट करेंगी। पैसे नहीं है सिर्फ देख रहे हो तो भी आप सीखोगे, पैसे हैं ऐड करो तो बेनिफिट है। चीजें बस डिपेंड करता है TTML टाइप की कंपनी ना, कंपनी की समझ होनी चाहिए, वो कंपनी क्या ले रहे हो। ठीक है, सिंपल 3 to 7 ईयर से लेके आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को आप कंपेयर कर सकते हो। एंजल उन्होंने मार्जिन पे पीसी पे एडॉक में बैलेंस नेगेटिव में दिखा रहा है। सर जी एडॉक का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। एडॉक का मतलब होता है कि कोई भी आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, पेनी स्टॉक्स, पोंजी स्टॉक्स, भंगार स्टॉक्स, ठीक है, जहां पे या T2T वाले स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो वहां पे आपको एडॉक मार्जिन मेंटेन करना होता है। वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा आपको उस स्टॉक को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो दिखा रहा होगा। वेट कर लो, सेटलमेंट तक हो जाएगा, अपने कुछ सेल किया होगा तो शायद निगेटिव दिखा रहा होगा,
बाइक क्या होता है, पॉजिटिव दिखा रहा होता उसके हिसाब से है। कल तक वेट कर लो, समझ में आ जाएगा आपको, आपको जो है ठीक है चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत नहीं। एडॉप का मतलब ये समझ लो कि आपने कोई भी पॉन्जी स्कीम, मल्टी बैगर, मेगा बैगर, प्लेटिनम बैगर, डायमंड बैगर टाइप के स्टॉक्स में आपने बाई सेल किया है, जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती चीजें के हिसाब से, ठीक है, उस टाइप के स्टॉक्स में आप करोगे, मेनली रिस्की स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे तो एडॉप मार्जिन मांगेगा, ठीक है। एनबीसीसी सर नहीं, मेरी तरफ से ना सर जी, इस पर मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए सर जी, आप सिर्फ मोड़े बने रहो सर जी, आप उसे ज्यादा दिक्कत नहीं मत लो। सर वेयर शुड आई सी डिविडेंड इन अप स्टॉक्स, आई डू नॉट गॉट मेल एंड हाउ टू नो व्हेन आई गेट डिविडेंड। वो आपको जो है डिविडेंड अप स्टॉक्स नहीं भेजेगा आपका, ये जो भी आपका डीमैट में स्टॉक्स है, ठीक है, अगर मान लो उसका बोर्ड मेंबर्स रिकॉर्डेड फिक्स करता है और स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में है, तो आरएनटी रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट जो है, चाहे वो कैम्स हो चाहे वो कार्बी हो, वो आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट पैसे भेज देगा, तो यहाँ पे अप स्टॉक्स का कोई काम नहीं। तो उसकी आप चिंता मत छोड़ दो कि अप स्टॉक्स ने आपको कुछ बताया नहीं बताया, उससे मतलब नहीं है। अप स्टॉक्स के पास आपका स्टॉक है, बने रहने दो, ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी। गुड इवनिंग सर, एचडीएफसी हीरो मोटर कॉर्प रिलायंस फॉर 12 to 15 years, बने रहो सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम तो बहुत लंबा बोलते हो सर जी, 2 to 5% में दिक्कत होती है आपको, ठीक है, मार्केट सीखते रहो देखते रहो, क्या दिक्कत है। कभी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हालत खराब हो रही थी, 400 पे है, अब जो निकल गया वो निकल गया, मुझे मतलब नहीं, फिर से नीचे आएगा, मुझे कंपनी चूज करनी होती सर जी, मैं स्टॉक डिसाइड नहीं कर सकता कहां जाने वाला, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, आप बैठे हो पैसे बन जाएंगे, चीजें बताना वो मैं बताता हूँ सही, वो जो है उसका मुझे पता है क्या है नहीं, उसकी मुझे उसका मुझे आइडिया है क्या बताना नहीं बताना है, ठीक है। पॉन्जी टाइप के स्टॉक्स मैंने बताया नहीं आज तक, एक भी, चाहे वो स्टॉक्स 100 times हो गया, मुझे मतलब ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो 2 rupees का स्टॉक 10 rupees गया है, 10 rupees से 2 rupees पे आएगा या 1000 rupees से 2 rupees पे आएगा, मुझे मतलब नहीं किस पैसे आने वाले, तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना। जब चीजें पता हो आपको कि ये 2 rupees से 10 rupees से नीचे आएगा या फिर 10,000 rupees से नीचे आएगा, आपको पता नहीं है, फिर इन्वेस्ट क्यों करना उस स्टॉक में। तो मैंने पॉन्जी वाले स्टॉक्स नहीं बताए सर जी, जो स्टॉक से फंडामेंटल है, मैं चीजें कोरिलेट कर लेता हूँ उसको, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, जो भी इकोनॉमी से हो या इंडस्ट्री से हो, चीजें मैं कोरिलेट कर लेता हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ, लार्ज कैप 3 to 5 years, मिड कैप 5 to 7 years और स्मॉल कैप 7 to 10 years। हॉरिजन है आपका, मोमेंटम आप देख सकते हो तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो सर छोड़ दो, ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओ, फिर दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, बैठे रहो, चीजें आपको जो है समझ में आ जाएगी सर जी आपको, ठीक है। सर प्लीज टेक ब्रीफ अबाउट जोमेटो अगेन इन लॉस प्लीज, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ सर जी, नहीं है, मैं इतने दिन से लाइव कर रहा हूँ, जब से जोमेटो लिस्ट हुआ है, आप मेरा एक भी लाइव ओपन कर लो और मुझे बता दो कि मैंने जो है जोमेटो पे हाँ बोला हो, नहीं है, नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं है कंपनी की, नहीं है। अभी 90 rupees का 9,000 हो जाए, मुझे मतलब नहीं, कंपनी जब तक क्लियर ना है, कंपनी का बिजनेस क्लियर नहीं है, जब तक कंपनी का अर्निंग्स क्लियर नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर, आपको इन्वेस्ट करना है, हिट एंड ट्रायल खेलना है, खेलो सर, जिसमें उसमें मेरा पैसा तो थोड़ी, मैं जो है क्या बोलते हैं ऑथराइज थोड़ी हूं कि आपको मैं बोलूं कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप वही करो, मेरी मेरी बस ये अकॉर्डिंग टू माय कंप्लाइंसेस मेरा ये वो होता है कि मैं चीजें आपके हिसाब से अच्छी बोलूं, ठीक है, आपको जो चाहिए मैं बता दूं। अब मैं बोला नहीं बोला स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स चला गया, मुझे मतलब नहीं है सर जी, और मैं बोलूं स्टॉक्स रिटर्न ना बने तो दिक्कत है कि मैं जो स्टॉक्स बोल रहा हूँ उसमें रिटर्न ना बन रहे हैं, ठीक है, आप जो स्टॉक्स बोल रहे हो रिटर्न तो मेरे में स्टॉक्स में बन रहे हैं, चीजें मैं सवाल ले रहा हूँ, मुझे उसकी बिजनेस की समझ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो कंपनी क्या करती है, चीजें क्या कैसे वर्कआउट करती है, क्या होगा नहीं होगा। अब जिसकी समझ नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ सर जी, मैं इंटरटेनमेंट एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं सबको इंटरटेन करता हूँ, आपने जो लिया वो भी अच्छा है, किसी और ने जो लिया वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऊपर चला गया तो अच्छा एडवाइजर हूँ, नीचे आ गया तो मैं ब्लॉक कर दूँ, नहीं, मुझे जो समझ है मैं बोलता हूँ, समझ में आता है इन्वेस्ट करो, नहीं समझ में आता है इन्वेस्ट मत करो, सिंपल टर्म, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, इंटरटेनमेंट एडवाइजर नहीं हूँ मैं, कि सबको इंटरटेन करता रहूं, कि आपका जो फिलॉसफी है वो भी अच्छी, वो आप देख लो सर जी, वो आपका काम है, मेरा काम जहां तक है मुझे पता है, ठीक है, सिंपल है। विप्रो और हैप्पीएस्ट मैन, हैप्पीएस्ट मैन सॉरी बोलता हूँ, विप्रो ले लो,
हैबिशमैन में उतना नहीं देख पाओगे, ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ आपको, ETF अवेलेबल है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर नहीं करना पेट्रोल स्टॉक्स में करना तो डाउनफॉल के लिए तैयार रहना, ठीक है। सर मैंने एक स्टॉक्स लिया है उसमें सर्किट लगा है, 5-7 दिन हो गए हैं, पर सेल करने गया तो यू कैन सेल ओनली आफ्टर इट्स गेट एडेड इन योर डीमैट अकाउंट, क्या प्रॉब्लम होगा? सर जी ये प्रॉब्लम ये है कि आपने जो बाई किया है, ठीक है, उसका शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आए, ऐसा होता नहीं है। ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट वाले स्टॉक्स में जो भी आप स्टॉक्स बाई करते हो वो डीमैट में चला आता है T+2 वर्किंग डेज के बाद, ठीक है। सिंपल टर्म में ये समझो, नहीं आया है तो आप क्या बोलते हैं ब्रोकर से पूछ लो, ऐसा होता नहीं है। T+3 वर्किंग डेज के बाद मान लो सेटलमेंट नहीं होता है तो आपको कैश अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मुझे लगता है डीमैट में आ चुका है, आपका सेल क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, आपने कब बाई किया, T+2 वर्किंग डेज हो गए हैं, आप बोल रहे 5-7 डेज हो गए, तो ऐसा एरर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, 5-7 डेज में ऐसा एरर आता नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना 2-3 वर्किंग डेज के बाद या तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स आने वाले हैं, कैसा आने वाला है वो चीज ध्यान रखें। ये मैंने एरर कभी देखा नहीं अपने वर्किंग लाइफ में, तो मुझे पता नहीं सर जी क्या है। नहीं सर गिफ्टिंग स्टॉक्स इन जीरोधा पे चार्जेस, सर जी वो डीमैट चार्ज आपको लगेगा बस, शायद मुझे लगता है वही लगने वाला है। सर आई एम इन्वेस्टेड इन DSP ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड फॉर लास्ट 4 इयर्स, आई एम इन हेल्दी प्रॉफिट, व्हाट टू डू? गोल रीच हो गया है, निकाल। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो है डिसाइड करना होगा आपका गोल क्या है, वो जब तक डिसाइडेड नहीं है बहुत दिक्कत। आपको क्या चाहिए मार्केट से, ठीक है, हेल्दी प्रॉफिट का मतलब आपको निकालना है निकाल सकते हो, टैक्स पे करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है टैक्सेबल इनकम कितनी है आपकी, अप टू 1 लाख रुपीज टैक्स फ्री है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो देख लो क्या करना है नहीं करना, टैक्स पे करने के बाद आपको फिर से उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड कर लेना, ठीक है। अगर मान लो आपका नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कोई भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे का, तो ये मत सोचो कि सर जी ये ऊपर है तो मैं सेल कर दूं, फिर नीचे आ तो मैं बाय कर लूंगा, ये वाली स्ट्रैटेजी यूज मत करो, ये बिल्कुल आपका वर्कआउट किस्मत है तो करेगा, नहीं है तो फिर एक बार रैली मिस होगी मिस हो जाएगी। 10 डेज का टाइम फ्रेम है छोड़ दो, जो अभी पैसा है आपका वो आपका कम से कम 5 times हो जाएगा, तो देख लो क्या करना नहीं करना है। तो मुझे जो है चीजें आपको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। सर आप अगर आपसे भी रजिस्टर्ड हो गए तो क्या आप स्टॉक रिकमेंड करोगे या आपकी सर्विसेज? मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, मेरा ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया वैसे भी रजिस्ट्रेशन के लिए, मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाना चाहिए, ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए, इस पर जो है कोई क्वेरी नहीं आई है। मैं स्टॉक रिकमेंडेशन अलाउ नहीं है मुझे, जो सर्विसेज होंगी ऑलरेडी वेबसाइट्स पे लिस्टेड होंगी, जो भी होगा वो देख लेना सर जी, ठीक है, उसके बाद जो है कंपनी की तरफ मैं वर्कआउट करूंगा, जैसा है नहीं मुझे इससे भी अलाउ नहीं करती क्योंकि कंप्लाइंसेज बहुत है वहाँ पे, और मैं थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ फिर दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है मुझे, तो मैं जो है वो काम नहीं करने वाला जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ। स्टॉक्स आप पूछ रहे हो मैं बता दे रहा हूँ जो भी चीज़ें, क्योंकि सेबी ने पहले ही बोल रखा है विदाउट रिस्क प्रोफाइलिंग यू कांट, मैं जो है बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के जो है किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता, फिलहाल मेरे पास नहीं लाइसेंस है, लेकिन मैं एलिजिबल हूं बोलने के लिए, मैं बोल दे रहा हूं ऑलमोस्ट, मैं अपने हिसाब से जो चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूं, क्या रिस्क प्रोफाइल क्या डाउनफॉल हो सकता है, क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप फॉलो करोगे ठीक है, दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले पैसे मुझे नहीं पता होगा पैसा कहां से आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं वो जो है फिलहाल अभी जो है उतने कंप्लेंसिव में नहीं, सभी से मुझे मिल जाएगा, मैं ऑलमोस्ट 1000% श्योर हूं, दिक्कत नहीं मुझे, देखते हैं क्या है। नहीं कोई क्वेरी तो आया नहीं, ऑलमोस्ट 2 months होने को है, कुछ क्वेरी नहीं आया, पिछले बार क्वेरी चला आया था क्या था, इस बार क्वेरी नहीं आया, मिल जाएगा मुझे। थैंक्स नाइम इंडिया, याद दिला दिया सर आप, लास्ट ईयर आई मेड प्रॉफिट, फिर आई मेड FD इन बैंक, नाउ नेक्स्ट मंथ आई विल बाय सिप मोड अगेन, नाइम इंडिया आई एम ओनली सीइंग डिविडेंड स्टॉक्स सेफर साइड, BBCL आई विल बाय नाउ, कर सकते हो सर जी। डिविडेंड स्टॉक्स के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिविडेंड स्टॉक्स में जो है टाइम देना, डाउनफॉल हो सकता है, शायद लंबा डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है, तो वो चीजें जो है आप नेगलेक्ट कर सकते हो, और पैसे है तो जितना नीचे आप ऐड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, डिविडेंड मिलता रहेगा आपको, ज्यादा अच्छा मिलता रहेगा। मैं IOC ONGC ऑयल इंडिया में कब से बोला हूँ, है इन्वेस्टर लेके बैठे हुए, जो बैठे उनका डिविडेंड यील्ड 15% का है, 15% का है, और क्या चाहिए आपको, 5 साल में पैसे आपके रिलीज हो जाएंगे जो पैसे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी कैपिटल अप्रिसिएशन वो अलग बात है, ठीक है, तो वो देख लो। सर जोमेटो में फिर से बोल दिया हूँ सर जी, मैंने क्लियर कर दिया है जोमेटो के बारे में क्या है नहीं, मैं जो है स्टार्टिंग से स्टॉक नहीं बोला जोमेटो के बारे में, ठीक है, मैं लॉस करने के बाद सर जी मैं अंडू नहीं कर सकता, वो चीज ध्यान रखना कि आपका लॉस हो रहा है मैं उसको रिकवर करवा दूं या अंडू करवा दूं, मैं चीजें पहले ही बता रखा है क्या है नहीं है,
ठीक है, मुझे पता है सर जी, मैं सारे सवाल लेता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं 1.5 ईयर से लाइव कर रहा हूँ, 1.6 ईयर 6 मंथ 7 मंथ से लाइव कर रहा हूँ मैं। एक भी इन्वेस्टर बोल दे कि आपके वैसे पैसे डूबे हैं मेरे, सिंगल इन्वेस्टर नहीं है, सिंगल इन्वेस्टर नहीं है, मैंने बोला ही नहीं आल तो जंक जंक स्टॉक, भंगार स्टॉक, मुझे जल्दी वाले कुछ काम करना ही नहीं कि जल्दी हो गए प्रॉफिट, मुझे पता है वर्कआउट नहीं करेगा, मुझे ये पता है पैसे आपके नहीं बनेंगे, मैं 8 साल से इस फील्ड में हूं, देख रहा हूं नहीं बनने वाले पैसे वैसे करके जैसे सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिलायंस पावर ने पैसे बुक नहीं किए हैं, प्रॉफिट बुक नहीं किया, इन्वेस्टर बुक किया है, 2 टाइम्स किया है, 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स बुक किया है, लेकिन वो जो प्रॉफिट उस स्टॉक में बुक किया है उसका थिंकिंग जो है वो स्टॉक्स के रिगार्डिंग ही है, उसको बोलोगे ITC नहीं लेगा, वो इंफोसिस नहीं लेगा, वो तो मुझे पता है जो स्टॉक्स में डाल रहा है पैसे, ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बाद उसका हालत क्या होने वाला है। तो जब तक मार्केट बुल रन में थी तब तक ठीक था, मार्केट ने यू टर्न लिया, चीजें वर्स्ट वर्जन हो गई, बिल्कुल बेकार हो चुकी। अब TTM वाले इन्वेस्टर से पूछो, जाके जो एडवाइजर था आपका पूछ के देख लो उससे TTM के बारे में, मैं तो 2 रुपीज से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा 2 रुपीज से 2.90 का हो गया, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था 2 रुपीज का TTM 10 रुपीज से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट करेगा या 10,000 से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट करेगा, मुझे पता ही नहीं, तो मैंने 2 रुपीज से नहीं बोला TTM के बारे में। अब जो 290 पे लेके बैठे हुए अब वो निकालना चाह रहे हैं, निकल नहीं रहा, अब वो 2 रुपीज से फिर से आए, 10 रुपीज से फिर से आए, या फिर से बाउंस बैक करे, मुझे मतलब है। जो कंपनी भंगार है मतलब भंगार है, आपको पैसे की केयर है, पैसे आपको केयर करेगा, अब वो पैसे की केयर नहीं है, पैसे आपको केयर नहीं करेगा, सिंपल फिलॉसफी है लाइफ की। आपको पैसे की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पे है, पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको पैसे एज ए गैम्बलिंग टेबल पे यूज करते हो, हिट एंड ट्रायल, कुछ पता नहीं है बस डाला हो गया तो ठीक है, फिर से बोल रहा हूं एवरेज मत करना, गलती हो चुकी है, सीखो निकलो, चाहे वो 10 लाख फंसा हो या 1 करोड़ फंसा हुआ हो या 10 करोड़ फंसा हुआ, अब उसको अंडू करने के लिए 5 करोड़ और डालोगे वो भी जाएगा, ठीक है, तो गलती हो चुकी है तो कर देना उसको, फिर अंडू करने की कोशिश मत करना। मैं इसको पहले तो पैसे बनाने के लिए आते हो, कुछ टाइम के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए आते हो, तो डायरेक्शन ही नहीं पता आपको क्या करना है। जब फर्स्ट टाइम पैसे लेके आते हो तो स्विट्जरलैंड जो भी सपने हैं वो लेके आते हो, 6 महीने के अंदर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे चले आते हो कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चलाए मैं निकल जाऊं, तो कैसे एडवाइजर इन्वेस्टर हो आप, खुद ही देख लो। ठीक है, मुझे पता है सर जी, मैं ATS में 600+ क्लाइंट प्रोफाइलिंग की है, तो मुझे सबका पोर्टफोलियो पता है क्या है नहीं, कोई कुछ भी बोल दे मुझे पता है, कोई कुछ भी बोल दे ये है वो, जब तक सिविल रजिस्टर्ड नहीं है मानने वाले नहीं, मुझे सबका पता है पोर्टफोलियो कैसा है। ठीक है, तो चीजें मैं बता दे रहा हूं, अब देख लो, नहीं देखना तो सीखते रहना जो मैं बोल रहा हूं, उसको रिलेट करते रहना, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट कैसा है सर जी? अच्छा है सर जी, अच्छा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट शायद 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है उसके प्रॉफिट में। मिंटन सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ICICI एक्सिस, ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंट अर्निंग वाली कंपनी चाहिए तो HDFC बैंक, कोटक बैंक बेट करो। एक्सिस का मैनेजमेंट अभी चेंज हुआ है, HDFC का CEO जो था उसने संभाला है, तो HDFC का मतलब मैं सिंपल समझता हूँ सर जी, HDFC का एक ही फिलोसफी है प्रॉफिट, वो दूसरी फिलोसफी पे काम ही नहीं करती, पहली प्रॉफिट्स बोल लो या क्लाइंट सर्विस बोल लो, या क्लाइंट सर्विस बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, दोनों उसके लिए भगवान है, दोनों भगवान है उसके लिए, क्लाइंट को सर्विस भी वैसे ही करता है वो HDFC, प्रॉफिट भी वैसे ही करता है, उसको पता है क्लाइंट से बिजनेस कैसे निकालना है। ठीक है, क्लाइंट देने में डरता भी नहीं कि कहां जा रहा है, उसको पता है, तो कंसिस्टेंटली अर्निंग वाली कंपनी चाहिए तो HDFC अग्रेसिव है, HDFC बैंक, दो कंपनियां हैं, एक्सिस बैंक आप ऐड कर सकते हो, अर्निंग्स आप देख सकते हो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में। ठीक है, इसका कंसिस्टेंट अर्निंग्स नहीं है लेकिन जिग-जैग वे में रहता है अब, लेकिन कंपनी दोनों बैंक जो है कमाल की है, 4 बैंक हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो कौन सा लेना है आपको। ठीक है, मिंटन इंडस्ट्री एंड जेमिनी ऑटो सर फिलहाल दोनों पे छोड़ दो फिलहाल अभी। ठीक है सर, योर व्यूज ऑन भंसाल इंजीनियरिंग? नहीं सर जी, मेरा व्यू दोनों पे नहीं है सर। टाइम कौन सा शेयर खरीदें प्लीज बताओ सर। मैंने बता रखा है मैं शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं करता, 33 स्टॉक का लिस्ट है, जो भी आपको चूज करना कर सकते हो सर जी। मेरा सर जी बिल्कुल सिंपल वाला काम होता है, आपको पैसे बना के देने हैं मुझे, बस चीजें मैंने बता रखा है, बैठे रहोगे बन जाएंगे।
वो मेरा काम, सिंपल टर्म में समझो, मुझे इन आउट वाला काम पता नहीं, वर्कआउट नहीं करता, मैंने छोड़ रखा है। सर क्या एप्पल फ्यूचर में 10 ट्रिलियन हो जाएगा? सही, हो सकता है, 3 ट्रिलियन तो है ही फिलहाल अभी, हो सकता है सर जी आपका। एप्पल का कोई कॉम्पिटिशन नहीं सर जी, जो प्रीमियम फील आपको एप्पल में आती है, कोई दूसरा ब्रांड कितना ही महंगा ले लो वो नहीं आने वाला, वो अलग ही सेगमेंट है सर जी, वो अलग ही चीजें हैं। उसके बाद प्राइसिंग पावर भी है, मैं बता रखा हूँ प्राइसिंग पावर क्या है मतलब, ठीक है? प्राइसिंग पावर मतलब प्राइस वो इंक्रीज कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन कस्टमर उसके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, अल्टरनेटिव नहीं। अगर आपको एप्पल लेना है तो फोन का भी रेट 1.2 लाख रुपीज है, वो 1.5 लाख रुपीज कर दे, आपको एप्पल ही लेना है, आप ओप्पो नहीं लोगे। इसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर, ठीक है? ये आपको ऑटो सेगमेंट में बुलेट के पास है, बुलेट के पास है, ठीक है? उस सेगमेंट में आपको आ चुकी है बहुत सारी, लेकिन जो प्राइसिंग पावर है वो बुलेट के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। हीरो करेगा, बजाज है बजाज करेगा, टीवीएस है टीवीएस करेगा, होंडा है होंडा करेगा, वो प्राइसिंग पावर उतना नहीं जितना प्राइसिंग पावर बुलेट के पास है, ठीक है, समझ गए सर। स्टॉक्स मूव कैसे करते हैं? कौन ऑपरेट? सर ऑपरेट नहीं करता सर जी, ऑपरेटर हो सकता है, ऑपरेटर मतलब आप वैसे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया तो ऑपरेटर हो सकता है, कि मान लो आपको ना कंपनी पता, ना प्रोडक्ट पता, ना मैनेजमेंट पता, ना अर्निंग्स पता, ना कॉम्पिटिशन पता, आपकी आपको बस एक ही चीज पता है, फिलोसफी कि हो जाएगा, ठीक है? उसमें होता क्या है, प्रमोटर के पास स्टॉक है, सी मना नहीं करती वैसे, वो काम लीगल वे में होता है, लेकिन एक आपको ब्लेम करने के लिए कुछ चाहिए, साइडवेज निकलने के लिए चाहिए, आप फंस गए हो या फिर लॉस हो रहा है, तो आपको सीखना नहीं उस चीज से, आपको ब्लेम करना है, तो ब्लेम करने के लिए ऑपरेटर आता है, ठीक है? मैंने देखा नहीं है कि एशियन पेंट 10 साल पहले बाय किए होते तो कोई ऑपरेटर आपको पैसे बनाने से रोक सकता था, ठीक है? और आप 2004 में बाय किए होते पीडालाइट, ठीक है, जो फोन आया था मुझे एक इन्वेस्टर का, 60,000 का इन्वेस्टमेंट जो है अभी हो रहा है 1.5 CR का, 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट 1.5 CR का हो रहा है फिलहाल पीडीलाइट में, उसके लिए कोई ऑपरेटर काम नहीं किया, ऑपरेटर बस आपके लिए लूप होल है, कि आपको लगता है मुझे आता है लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा, लॉस हो रहा है, तो किसको ब्लेम किया जाए? यहाँ पे ईगो भी चला आता है सर, इसलिए पैसे नहीं बन पाते, आपको सीधे समझनी नहीं होती, ईगो पे ले लेते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई नहीं वर्कआउट हो रहा, तो कोई एक लूप होल चाहिए सर जी, वो साइकोलॉजी है इंडियन इन्वेस्टर का, लूप होल चाहिए, तो किसको लूप होल करोगे? गवर्नमेंट को कर दो कभी, बजट को कर दो कभी, कभी क्या बोलते हैं आप ऑपरेटर को कर दो, कभी प्रमोटर को कर दो, सबको कर दो, बस आप सही हो, बाकी सब गलत है, जो बैठा हुआ पैसे बना रहे है, सिंपल, ठीक है? 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पहले टीसीएस कहां पे था? लेकिन जो ट्रेड कर रहा था 10 ईयर्स पहले वो भी ऑपरेटर को ब्लेम कर रहा था, मेरा लॉस हो गया, ऑपरेटर ने धोखा कर दिया, 10 ईयर्स के बाद टीसीएस है वो कहाँ से है, कहाँ पे, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है क्या है, नहीं है सर जी आपका, अब ऑपरेटर के पास है शेयर्स, वो लीगल वे भी करते हैं सर जी, अब मेरे पास शेयर्स 10 लाख है 20 लाख है, ठीक है, अब मुझे बाई करना है, ठीक है, मैं खुद ही कर रहा हूँ अपने काउंटर पे, वो अलग लीगल वे है सर जी, कैसे करते कर सकते हैं सर जी वो, ठीक है सर? पीएनबी हाउसिंग 525 बाइंग है सर जी? नहीं, पीएनबी हाउसिंग मेरी तरफ से बिल्कुल भी ना है सर जी, मेरी तरफ से ना है, ठीक है? M6 फॉर 10 ईयर्स होल्ड कर सकते हैं। कॉमोडिटीज ट्रेडिंग में सर ये सिंगल है एक्सचेंज है, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। घनश्याम नेम का मैं सर इसे सवाल समझा नहीं, आपका क्या पूछ रहे हो, ठीक है, चीज समझा नहीं, ठीक है सर। आईजीएल इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बिल्कुल आईजीएल सर जी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कुछ परसेंट तो होना ही चाहिए सर जी आपको, ठीक है? कंपनी समझो, समझ नहीं आता है, डाउनफॉल से दिक्कत होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है, यू विल नेवर एवर नेवर एवर 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 मेक मनी, कहीं लिख लेना, लर्निंग मिरर वाले ने कृष्णमूर्ति ने बोला हुआ था, इफ योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज स्टॉक मार्केट यू विल नेवर 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 एवर 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 मेक मनी, मैं 1000% बोल रहा हूं, ट्रेडिंग से तो पैसे बनते नहीं, डॉट श्योर बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है? दूसरा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है, घर के खर्चे निकल जाएंगे, ईएमआई निकल जाएगा, पॉकेट मनी निकल जाएगा, एक ही ऑप्शन है बैठने वाला, पैसे वही बना के देगा। अब
बैठने वाला भी इसका मतलब ये नहीं टीटीएमएल लेके बैठे हुए हो पूरी लाइफ टाइम, घर पर बेच के टीटीएमएल में इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब वो नहीं। चीजें समझ होनी चाहिए आपको, पैसे तभी बनने वाले, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। मुझे पता है सर जी, बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं 8 साल से ढूंढ रहा हूँ कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट मुझे मिल जाए, या म्यूचुअल फंड मुझे मिल जाए, या फिर पीएमएस मुझे मिल जाए, या फिर मुझे एआईएफ मिल जाए, जहां पे मैं इन्वेस्टर के पैसे को डालू और मुझे वो 20% पर मंथ का, 2% पर मंथ का कंफर्म रिटर्न दे। आज तक मैंने देखा नहीं, ठीक है, पहला मेरा थाउट वो है। दूसरा, मैंने 8 ईयर्स पोर्टफोलियो मैनेज किया है, अभी भी कर ही रहा हूं, मैं सबका पोर्टफोलियो देख रहा हूं, ठीक है। चीजें जो है बाहर से कुछ और दिखती है, अंदर कुछ और होता है, तो चीजें क्लियर कर लेना। आपके पोर्टफोलियो में पैसे बनने चाहिए, कोई क्या कर रहा उसका मतलब नहीं, आपके पोर्टफोलियो में पैसे बनने चाहिए, वो नहीं बन रहा फायदा नहीं, ठीक है। सर लोग पागल हो रहे हैं कि न्यू आईपीओ के लिए, सर जी जो सर जी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आईपीओ अप्लाई कर सकते हो सर, ये जो आपका ये वाला है अदानी बिल्डर है अप्लाई कर सकते हो, एलआईसी आने वाला वो अप्लाई कर सकते हो, दोनों कमाल की, ठीक है। पीसी बीएल सर जी इस पर मेरा व्यू नहीं है, मेरे तरफ से ना सर जी। सर अदानी बिल्डर का जीएमपी डाउन, कोई दिक्कत नहीं सर जी, आप इन्वेस्ट करो, फिर ट्रेड हो तो फिर लॉस बुक कर लेना, ठीक है, ट्रेडर हो तो फिर दोनों चीज चाहिए ना आपको। अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे, ऊपर कोई बाय करेगा तभी आप सेल कर पाओगे, जाहिर सी बात है, ट्रेडर हो तो लॉस बुक कर लेना, ठीक है। सर एनी गुड ट्रेडिंग स्टॉक्स सर जी, जो भी एफएनडो के स्टॉक्स हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी एफएनडो के स्टॉक्स हैं, ठीक है। सर जी आईजीएल में आपका व्यू क्या है, बहुत डाउन है सर जी, बने रहो सर जी उस पर, वो भी आएगा, ठीक है, वो ही बने रहो, चीजें क्लियर होंगी उसमें भी। सर मेरे अब स्टॉक्स में ETF है, उन्होंने एंजल वन में ट्रांसफर करना है, हाउ टू डू इट। सर दो ऑप्शन है, एक तो आप क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ कौन सा फॉर्म चाहिए उसके लिए, मैं फिलहाल बोल रहा हूँ, जो भी एंजल वन में चाहिए आपको, तो एंजल वन से आप अपस्टॉक्स से CML रिपोर्ट ले लो, एंजल वन में आप ट्रांसफर कर सकते हो, पहला। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, चार्ज भी आपको लगने वाला है, तो बेटर है अगर आपको ज्यादा अमाउंट नहीं है, टैक्सेशन कंसर्न नहीं है आपका, ठीक है, टैक्सेशन कंसर्न नहीं है, तो आप क्या करो कि आप जो स्टॉक सेल कर दो, T+2 वर्किंग डेज के बाद पैसे ले लो, पैसे को ट्रांसफर कर दो एंजल वन में, और एंजल वन में सेम जो है स्टॉक्स क्वांटिटी में बाय कर लो, कितना ना ऊपर नीचे होगा, 2% 3% ऊपर नीचे होगा, क्या दिक्कत है, जब लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो ये काम कर सकते हो। आप वो वाला काम क्यों करोगे, फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। 2 दिन पहले 335% एलआईसी हाउसिंग खरीदा था सर जी, 383 शेयर है, बेच के निकल जाऊं सर जी, सर वो डिपेंड करता सर जी आपके ऊपर, मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, मैं प्रॉफिट के लिए सर जी काम नहीं करता, प्रॉफिट बनेगा, मुझे डाउट नहीं है मेरे नॉलेज पे, प्रॉफिट बनेगा, मेरा ये वाला काम नहीं है। ऊपर गया तो भी सवाल, ऊपर वाला सवाल मैं लेता नहीं, नीचे आओ मैं सवाल लूंगा, कोई 450 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, तो मेरा सर जी वो शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं है, मैं लंबा बुक करता हूँ प्रॉफिट, मुझे शॉर्ट टर्म वाला मुझे मजा नहीं आता, मैं एक अच्छी कंपनी छोड़ के मैं दूसरी कंपनी बुरी कंपनी में जाऊं, ये मेरा काम नहीं, मेरा इन्वेस्टर मेरे से मेरे लिए पूछता नहीं क्या करना नहीं करना है, मुझे पता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना, कब निकालना, कब रखना है, वो मेरा काम है, उसके मैं जो भी है चार्ज नहीं लेता हूँ डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लेता हूँ म्यूचुअल फंड कमीशन के थ्रू इन्वेस्टर से, जो भी है इन्वेस्टर है मेरे, तो मुझे पता है क्या करना नहीं करना है, ठीक है। तो वो आपका सर जी पॉइंट ऑफ व्यू है सर जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है बोला हूँ तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऊपर गया, कंपनी कमाल की है, ठीक है, मैं मोमेंटम देखने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस प्रॉफिट बुक करना है, अच्छा बुक करना है, उसमें टाइम लगता है, वो आपको पर डे प्रॉफिट नहीं होता, तो वो आपका काम है सर जी बुक करना, आपको बुक करना बुक कर लो सर जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, मैं जो है इन आउट वाला काम नहीं करता, ठीक है, जब निकालना होगा निकाल दूंगा, बता दूंगा कब, टाटा मोटर्स 140 पे लिया था, 516 पे निकाला है, बोला ना निकाला है मैंने, मैंने मुझे खुद के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक नहीं करना है, वो कंप्लाइंस है कि मैं खुद के पोर्टफोलियो नहीं करूं, लेकिन जो भी मैं ओपन हूं, जो भी चीजें खुद के पोर्टफोलियो में नहीं करता ट्रेडिंग, जो भी थोड़ा कंप्लाइंसेज है वो इन्वेस्टर ट्रेडिंग अकाउंट में है, वो मैं पहले बोल देता हूं क्या करना नहीं करना है, ठीक है, सेम डेट होता है, 516 पे निकाला हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी है, देखते 1000 का टारगेट है कब जाएगा, तो मैं छोटा वाला काम नहीं करता सर जी, 10 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट निकाल लो अच्छी कंपनी से, फिर जाकर भंगार कंपनी में बैठ जाओ, जल्दी पैसे किसको चाहिए, अब डेली ट्रेडिंग करके पैसे बना लोगे क्या, फिर तो रही हो पैसे बन रहे हैं क्या, नहीं बन,
जब पैसे बन रहे जहां से बन रहे वहां से बनाओ, फिर दिक्कत क्या है, कंपनी चूज करो बस बैठो, ठीक है। और डिपेंड करता है चूज कैसे करना है, वो आपको स्किल होना चाहिए, चीजें समझ होनी चाहिए क्या करना नहीं करना है, वो आपको टेम्परामेंट्स कंट्रोल करना पड़ेगा आपको क्या करना नहीं करना है। चीजें जब पता होंगी तभी कंट्रोल कर पाओगे, पता नहीं होगा कुछ भी, कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट कैसा है, कस्टमर बेस कौन सा है, इकोनॉमी कहाँ जाने वाली, इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली, चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर पेंडुलम की तरह ही बाइसल करोगे, ऊपर बाई नीचे सेल, ऊपर बाई नीचे सेल, ठीक है। वो मुझे नहीं आता सर, मैं सिंपल है लेके बैठता हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, मुझे आता है नहीं आता है, मुझे दो ही चीज आता है, तीसरा वाला काम नहीं करता। मैं फिलोसफी पे काम नहीं करता, मुझे फैक्ट चाहिए, फिलोसफी वाला मैं काम करता ही नहीं ना, मेरे इन्वेस्टर को फिलोसफी पसंद है, बोला है डिलीवर करो, 10% बोला है उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, वैसा वाला काम है। अदानी विलमर्ट में 2 lot 1 DMAT अकाउंट लगा से लगा सकते हैं सर जी, लगा सकते हैं सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन सर जी मोमेंटम रहेगा सर, छोड़ दो उसको भी, मोमेंटम रहेगा छोड़ दो सर जी उसको आप। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग और सेफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर जी, आपको फ्रिक्वेंटली बाई सेल अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फ्रिक्वेंटली बाई सेल अलाउ नहीं है, सिर्फ कर सकते हो जितना भी करना कर सकते हो सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर बेस्ट सेफ म्यूचुअल फंड्स फॉर 15 ईयर्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखा है, ऊपर में पिन किया हुआ जाके देख लो सर जी, जो भी है। टाटा एलेक्सी क्या करना चाहिए सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ टाटा एलेक्सी में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लो। टाटा एलेक्सी मेरे तरफ से फिलहाल भी ना है ना, मैं नहीं बोला हूँ सर जी, चाहे वो ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो मैं देखता नहीं, फिलहाल भी नहीं है तो नहीं, मैं चीजें क्लियर करके देखूंगा क्या है नहीं, फिलहाल जो है मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सर जी, महंगी है, एक दो क्वार्टर का अर्निंग्स खराब हुआ वो स्टॉक 30-40-50% डाउन है और मुझे पता वो देख नहीं पाओगे, तो ये चीजें मैं फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ। ऑलरेडी NETF IT है, बेटर है सर जी, वो आपको रिटर्न डिलीवर कर रहा है, बस उसमें मैं सिप करके बने रहा, ठीक है। सर सिंपल सिप एंड AMC सिप में क्या डिफरेंस है, दोनों मैं सवाल समझा नहीं सर जी, सिंपल सिप और AMC सिप दोनों एक ही होता है, सिप मतलब सिप होता है, सिप एक ट्रांजेक्शन है, पर मंथ अमाउंट आप जो है एक फंड में जो है पोस्ट कर रहे हो, इसमें सिंपल क्या है AMC क्या, मैं सवाल समझ नहीं रहा हूँ, इसमें सिंपल सिप और AMC सिप क्या होता है, सिप एक सिप है, आप सिप कर रहे हो किसी फंड में तो किसी AMC के फंड में सिप कर रहे हो ना, AMC मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी उसको AMC कंपनी बोलते हैं, तो कोई भी फंड ले रहे होगे उसी के AMC में कर रहे होगे, तो सिंपल सिप और AMC सिप क्या है बताओगे तो मैं क्लैरिफाई करूं इसको। ONGC में फरवरी फर्स्ट वीक क्या हुआ सर जी, उसका मुझे आइडिया नहीं, मैं वो काम नहीं करता सर जी, 175 का ONGC आ गया है, IOC 126 का आ गया है, ठीक है, इंडियन ऑयल 240 के आसपास का है, अब मैं सर जी उस इन्वेस्टर की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, जो ऊपर खरीदा नीचे सेल किया, मुझे कंपनी पता है, कंपनी में लेके बैठता हूँ बस, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं सर जी, मैनेजमेंट इशू होगा तो मैं गाइड कर दूंगा आपको, हाँ मेरे से गलती हुई है, अभी तक गलती नहीं हुई, मेरा ये वाला काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है सर जी, बिल्कुल काम छोड़ रखा है, ठीक है, क्या है नहीं है, क्या होगा नहीं होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, यूट्यूब पर मिल जाएंगे सर जी क्या होने वाला नहीं होने वाला है, मेरा काम सिंपल है सर जी, पैसे बनाओ बस, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको सही लगता है करो सर जी, मैंने करके देख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, अब मेरे लिए जो है वो सब चीज़ें जो है वो है, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, फिलोसफी नहीं सुनता सर जी, आपने उसको 5% बोला हो, 10% बोला हो, 15% बोला हो, अब ऐसा नहीं कि आप 15% बोलो और 2% डिलीवर करो, ठीक है, हर का एसेट क्लास है, रिस्क एपेटाइट है, टाइम फ्रेम है, आपको पता होना चाहिए क्या है नहीं, डिलीवर कर देता हूँ सर जी, उसमें दिक्कत नहीं, उसके आसपास रिटर्न रहता है, ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती क्या चूज करना क्या नहीं चूज करना, क्या रिस्क प्रोफाइल है किसी इन्वेस्टर का, उसका मैंने जो है एजुकेशन ले रखा है, चीजें क्लियर है मुझे, मुझे सर जी क्या होगा 2 दिन में 3 दिन में इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता, ठीक है। सर जी बजट आ रहा है, कौन से स्टॉक पे फोकस रखो सर जी, UPL तो भाग रहा है, एग्रीकल्चर स्टॉक जो है सर जी उस पर आप थोड़ा फोकस रखो, हर एक बजट में जो है रहता है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए करना, बजट स्टॉक्स वाले फोकस होता है ट्रेडिंग के लिए फोकस हो, लॉन्ग टर्म वाला जो है दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो चीज ध्यान रखना। सर एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, ऐड कर सकते तो बने रहो, ठीक है, इसमें मुझे लगता है डाउनफॉल या साइडवेज होंगे, जब इकोनॉमी आपको सही, इन्फ्लेशन आपका हाई रहेगा, GDP अच्छी होती रहेंगी, 2-3-4-5 साल में आपको देखने को मिल सकता है एशियन पेंट या पेंट सेक्टर आपको परफॉर्म ना करे, हो सकता है क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे, इसका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा, या फिर मान लो इसका जो है साइडवेज या फिर डाउनफॉल होने वाला है,
वो हो सकता है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जो है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है क्रूड ऑयल का जो है रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो सिप कर सकते हो, बेटर ऑप्शन है। मैं ये आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि यहाँ से जो रिटर्न जो प्रीवियस रिटर्न मिला हुआ है आपको वो डेलो होने वाला है, वो जो है मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। चीज़ें जो है मैंने बता रखी है क्या हो सकता है, तैयार रहना उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। नमस्कार सर जी, कैसे हो आप? टाटा एलेक्सी कैसे स्टॉक है लॉन्ग टर्म इसलिए बता रखा है मैंने, टाटा एलेक्सी सर जी कंपनी अच्छी है, मोमेंटम आप नहीं देख पाओ, चीज़ें के हिसाब से देख लेना सर जी क्या है, मैं जो फिलहाल वेट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। नेस्टेक और कितना करेक्ट हुआ सर जी वो देखते हैं, वो कोई कह नहीं सकता सर जी, पैसे हैं करेक्ट हो रहा है ऐड करो, करेक्ट पैसे नहीं है देखो बस सर जी, दोनों में लर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सर आपके न्यू ईयर अपने पेटलाइट का फर्स्ट वीडियो डाला था, हैप्पी न्यू ईयर सर जी, बहुत पहले डाला हुआ सर जी, उसमें उस समय 1300 पे पेटलाइट था, मुझे पता नहीं कब है, कंपनी सर जी अच्छी थी सर, मुझे उस समय ही बोला हुआ था, मैं कंपनी अभी भी अच्छी बोल रहा हूँ सर, इसमें दिक्कत नहीं है आपको, बैठना है बस पैसे बन जाएंगे, बैठोगे तो पैसे बनेंगे सर जी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, बैठोगे मोमेंटम देख सकते हो, दो चीजें जो है वो जो है क्या बोलते हैं चीजें जो है क्लियर है सर जी। एनएमडीसी में सही है सर, हमारा खुद साल पहले पेयर्स कंपनी में दादाजी ने सिप डाले थे बट वो पैसे नहीं मिले अभी तक सर, कोई चांसेस है मिलने का? सर जी एनएमडीसी में सही है, मैं सवाल समझा नहीं सर, हमारा कुछ साल पहले पीएल कंपनी में दादाजी ने सिप डाले थे, पीएल कंपनी सर जी कौन सी है, ठीक है, पैसे अभी तक नहीं मिले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उससे भी रजिस्टर्ड थी फर्म थी, म्यूचुअल फंड थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था, क्या था, तो पीएल का मैं नाम सुना ही नहीं हूं, क्या है नहीं है, स्टॉक था, स्टॉक लिस्टेड नहीं है तो गए, स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा, किंगफिशर ट्रेड नहीं हो रहा, गया पैसा, वो दिक्कत नहीं। अब पीएल कंपनी क्या है, म्यूचुअल फंड है, पीएमएस, पीएमएस तो नहीं होगा, म्यूचुअल फंड है, जो भी पीएल का मैंने म्यूचुअल फंड का नाम ही सुना है, तो क्या है आपका, अगर स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, अगर वो दिख नहीं रहा है आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हुए, देखो क्या हुआ है, डीलिस्ट हुआ है खुद की वजह से या फिर कंप्लायंस की वजह से, कंप्लायंस की वजह से डीलिस्ट हुआ है, फॉर्जरी की वजह से डीलिस्ट हुआ है, पैसे नहीं मिलेंगे, खुद की वजह से डीलिस्ट हुआ है, जैसे हेक्सावेल हुआ है, हेक्सावेल में मेरे फ्रेंड के पास शेयर्स हैं लेकिन वो सेल नहीं कर सकता क्योंकि वो शेयर्स डीलिस्ट है, अब मान लो 10 साल बाद लिस्टेड होती है, उसका मार्केट कैप कुछ और रहता है तो वो सेल कर सकता है उस समय, देख लो क्या है उस टाइप की कंपनी, अगर फॉर्जरी की वजह से डीलिस्ट हुई है तब सर कोई चांसेस नहीं है, तो भूल जाओ, ठीक है, वो चीज़ें देख लेना क्या है नहीं है। सर स्टडी आई हैव आस्क्ड यू अबाउट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लॉस प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी हेजिंग स्ट्रेटजी, माय व्यू इज लॉन्ग टर्म, माय म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो नियर अबाउट 10 लाख, लॉस पोर्टफोलियो से छोड़ दो, कोई नहीं करता, किसी को नहीं पता क्या होने वाला मार्केट में, ठीक है, तो आप न्यूज सुनना बंद कर दो, 10 लाख का पोर्टफोलियो है छोड़ दो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, बस एक बात बोल रहा हूं मैं, 10 ईयर्स के लिए बस पोर्टफोलियो में ताला लगा दो, म्यूचुअल फंड्स में है ना, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में है ना, पोर्टफोलियो में ताला लगा दो, इन वर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं, इन वर्स्ट केस 10% सीएजीआर रिटर्न होगा, और मान लो आपका फंड परफॉर्म नहीं करता है तो, इन वर्स्ट केस यहां से पोर्टफोलियो डबल होगा, 15% रिटर्न दिया है, 40 लाख का, 45 लाख का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू होगा 10 ईयर्स के बाद, देखना छोड़ दो, स्टॉक ऊपर है नीचे है साइडवेज है दाएं है बाएं है कुछ नहीं करो छोड़ दो, ठीक है, 2008 से लेके 13 तक मार्केट परफॉर्म नहीं किया, 13 से चलना स्टार्ट हुआ, देख लो रिटर्न आपका ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न कितना है, कवर अप कर लेता है इकोनॉमी जो अर्निंग्स हो रही है, अगर मान लो नहीं चल रही है इकोनॉमी सस्टेन बूस्टअप नहीं मिल रहा है, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है, 8 से 11 12 30 इंटरेस्ट रेट 12% था, 11 12 13 इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इंटरेस्ट रेट आपको 10% 12% था, मार्केट परफॉर्म नहीं किया, जाहिर सी बात 13 के बाद जो बूस्टअप हुई इकोनॉमी फिर से क्या बोलते हैं आपको ट्रैक पे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम हुए, चीजें देख लो ड्रेस्टिकली शिफ्ट हुआ फ्रॉम This side to that side. आप रिटर्न देख लो मार्केट में, तो ये लॉस स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है, आपको बस बिलीव रखना होगा इंडिया पे, $2.5 trillion का इकोनॉमी है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये 10-15 trillion का इकोनॉमी होने वाली है, अगर आपको ये चीजें पता है बेट करो, होगा ये,
बस बिलीव रखनी है। म्यूचुअल फंड्स में आपको ट्रैक नहीं करना, म्यूचुअल फंड्स मैनेजर आपको ट्रैक कर रहा है, पैसे ऐसे ही बनेंगे सर, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितने स्ट्रेटजी लगा लो कुछ वर्कआउट वर्कआउट नहीं कर पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी आपको लगता है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, आप करके देख लो पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो में सब कुछ लगा के देख लो, बस 3 साल के बाद निकल जाना, मुझे पता पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनने वाले, बस 3 साल में सब एंटरटेनमेंट करना, जितने पैसे लॉस हुए भूल जाना उसको, 3 साल के बाद जो है सीधा जो तरीका है पैसे बनाने का स्टार्ट करना, नेक्स्ट 10 ईयर्स में पैसे आपके जो है लॉस रिकवर भी हो जाएंगे, चीजें सही भी हो जाएंगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन स्किप हो रहा है सर जी, शायद मेरे सर जी, मुझे पता नहीं सर जी कौन सा है, आपके क्वेश्चन देखे थे मैंने। ठीक है सर, आप इंडिया के नहीं सर जी, मैं एक ग्रीन स्क्रीन है पीछे में। ठीक है सर, जुबिलेंट फूड में लॉस हो रहा है सर जी, सेल कर दूं या होल्ड कर दूं सर जी, क्या करना है सर जी? सेल करना आपको, सेल कर दो। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, टाइम चाहिए उसको, टाइम नहीं है तो सेल कर दो। स्टॉक को कैसे होल्ड करें सर जी? स्टॉक को कैसे होल्ड करें 10 ईयर्स के लिए रख सकते हैं सर जी, वो डिपेंड करता है स्टॉक्स कैसी। ठीक है, अगर मान लो कंपनी की समझ है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कंपनी अर्निंग्स कैसे करने वाली, कंपटीशन कौन सा है, बीट कैसे करने वाली है, चीजें क्लियर है आपको, बेट कर सकते हो। नहीं चीजें क्लियर है सर जी, फिर जो है आप देखते रहना, पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रैक करना पड़ेगा सर जी, वो जो है कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास, ट्रैक कर सकते हो, करते रहो। अदानी विल्वन आईपीओ के लिए सर अप्लाई करना चाहिए सर जी, बिल्कुल। आईसीसी बैंक कैसा है सर जी, अप्लाई कर सकते हो सर जी, ये ऑफिस नहीं सर जी, ऑफिस तो वही है। सिटी सीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हो सर जी इसको आप। ठीक है सर, सर जी बफेट हैव प्राइसिंग पावर, इट मींस आईसीसी मोटर बुलेट हैज मींस बेटर देन हीरो टीवीएस एंड बजाज फॉर इन्वेस्टिंग। हाँ सर जी, प्राइसिंग पावर का इफेक्ट होता है सर जी, हमें हर जगह होता है कि कस्टमर के पास आपके पास ऑप्शंस नहीं है, कस्टमर डिमांड नहीं कर सकता प्राइस को लेके, डिमांड का मतलब उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं। अब वो डिपेंड करता है कि बुलेट खरीदने वाले परसेंटेज कितने हैं, वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। जितनी गाड़ी बिकती है, क्या बोलते हैं हीरो मोटोकॉर्प की या फिर बजाज की, उतनी नहीं बिकती है, लेकिन जो उसका सेगमेंट है आपको उस सेगमेंट में करना पड़ेगा। आप जैसे आप पढ़ोगे समझ में आएगा, आप ओवरऑल होल ऑटो सेक्टर ले सकते हो बुलेट को, बुलेट को आप ऑटो सेक्टर में डाल सकते हो, लेकिन बुलेट का सेगमेंट ऑटो सेक्टर्स में जो मास पीपल से वो नहीं है, इसको आपको थोड़ा अलग सेगमेंट में डालना होगा। जैसे मान लो कि मतलब इसको हाई क्लास व्हीकल में डाल सकते हो, प्राइस व्हीकल में डाल सकते हो, जो भी हो सकता है, तो इसको आप ऑटो सेक्टर में नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे मान लो महिंद्रा है, महिंद्रा है ऑटो सेक्टर में तो आती है, लेकिन ये एसयूवी सेगमेंट में ज्यादा आती है, तो आपको एसयूवी सेगमेंट में देखना होगा कितना सेल्स हो रहा है, उस प्रोपोर्शनल में आपको महिंद्रा महिंद्रा का परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है। ठीक है, समझ में आया? तो आप सिंगल पिक्चर पे आप काउंट नहीं कर सकते। मान लो पीवीआर है, पीवीआर एंटरटेनमेंट सेगमेंट में आती है, तो इंटरटेनमेंट सेगमेंट में आपका पीवीआर भी आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आता है, डिश टीवी भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन पीवीआर को अगर आप देखते हो तो ये आउट ऑफ होम जो है एंटरटेनमेंट है, इसको आप एक में काउंट नहीं कर सकते। आपको पीवीआर को अलग तरीके से देखना होगा कि आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट है, क्या मैंने 5 दिन काम किया और मुझे 2 दिन एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ओटीटी मैं तो हमेशा देखता हूं घर पे। ठीक है, तो आपको हर चीजें जो है डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेंगी सर जी, आपको कैसा है नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, समझोगे धीरे 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 करके कैसे करते हैं नहीं करते हैं। डिविज लेफ सर जी आप ऐड कर सकते हो सर जी, करना है तो सर प्लीज। नहीं सर जी, मेरा जो है इस पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सर जी, बोट आईपीओ देखना पड़ेगा सर जी, इसमें मैं देख के बताऊंगा सर जी क्या है। मैं इस पर जो है अदानी बिल्वन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, उसका नीचे आएगा, मैं गाइड करूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है मुझे, इसका मुझे देखना पड़ेगा सर जी। ठीक है, मैं चीजें देख के बताऊँ क्या है नहीं, मैं वैसे जो है नहीं करता सर जी। आपका विप्रो 555 पे लिया हूँ सर जी, लॉन्ग टर्म सर जी बिल्कुल कर सकते हो सर जी आप। ठीक है, मैं सर जी सवाल समझा नहीं सर। आप बोल रहे थे अगर 2004 में पिटेलाइट एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया होता तो 60K 1.5 CR और हो जाता, क्या आप नेक्स्ट ऐसा स्टॉक बता सकते? सर फिर से बोलता हूँ, कोई भी हो सकता है, पिटेलाइट आज से नहीं चल रही, कंपनी जो रिटर्न देती है आपको, कंपनी का
अर्निंग्स, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का फ्रेंचाइज, कंपनी का जो है मार्केट शेयर्स गेन होना चाहिए। आप वैसा स्टॉक चूज कर रहे हो जिसका ना प्रोडक्ट है, जिसका ना कंपनी है, ना मैनेजमेंट है, ना अर्निंग है। पिटलेट अभी भी आप ले सकते हो, क्या पता 20 साल में क्या होने वाला है, आपको बस ट्राई करते रहना है। मैं वही बोल रहा हूं ना, आपको चीजें आपकी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर मैं उस इन्वेस्टर से पूछूंगा कि सर आपने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, आपको पता था 1.5 ईयर होगा, वो बोलेगा नहीं, मैंने बस ऐसे इन्वेस्ट किया, छोड़ दिया। 2004 में इन्वेस्ट किया है, 2008 में मार्केट क्रैश हुआ है, 2008 से लेकर 13 तक मार्केट नहीं चला है, 13 से लेकर 20 तक मार्केट चला है, 20 मार्केट क्रैश हुआ है, 22 में इसका 1.5 ईयर का वैल्यू है। आप वेट कर सकते हो क्या? 5% स्टॉक नीचे आता हालत खराब होती है। वही बोल रहा हूं ना, फिलॉसफी और फैक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। आपको समझना होगा वो चीजों को, वो समझ तभी आएगा जब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट ना हो, वो कोई गुजरात से था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको मतलब ही नहीं था, मुझे जैसा लग रहा था जैसा वो बात कर रहा था, मतलब ही नहीं था उसको 60,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हुए। तो होगा सर जी, वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट नहीं है, होगा फिर मतलब नहीं है आपको कि आपका स्टॉक कहाँ जाना नहीं जा रहा है, आप उसको बार बार देखोगे नहीं क्या है, नहीं है आपका पूरा कैपिटल जो है 10% 20% लगा हुआ है, तो पैसे बनेंगे सर जी? आप वही देखते रहोगे दिन भर कि मैंने 1 लाख रुपीज डाला है 1 करोड़ हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइफ सेक्टर में बेट करते रहो। मुझे नेक्स्ट 15-20 साल में लाइफ सेक्टर मुझे कमाल का दिख रहा है। मैं रीजन बता सकता हूँ, कंपटीशन नहीं है। उसके बाद जो अभी मिलियंस हैं जो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है, एनपीएस में 2014 से स्टार्ट हुआ है, सबका रिटायरमेंट 15-20 ईयर्स के बाद पैसे कहाँ जाने वाले हैं? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने वाले हैं, एनुटी के पास जाने वाला है। तो वैल्यूएशन आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी आपको महंगा लग रहा है इंश्योरेंस कंपनी, अभी आपको 10 रुपए नीचे आता हालत खराब होती है। मैं 20 साल के बाद देख रहा हूं, मैं 5-10 रुपए डाउनफॉल मेरे इन्वेस्टर को सीधा बोलता हूं, सर जी पैसे डालो, बोलो जाएंगे तो जाएंगे, समझना एडवाइजर जो है फ्रॉड निकल गया आपका, डालो बोलो, बिलीव करते हैं, सिंपल। इंश्योरेंस कंपनी में मुझे जो है चीजें इतनी क्लियर दिख रही है, मेनली कॉम्पिटिशन मुझे दिख नहीं रहा, इंश्योरेंस कंपनी में बिल्कुल कंपटीशन नहीं दिख रहा। और मैं पूछूंगा आपसे, आप 30 इयर्स के लिए कोई इंश्योरेंस प्लान ले लो 10 लाख रुपीज का, यू विल नॉट, क्या बोलते हैं आपको, रेडी टू टेक इंश्योरेंस फ्रॉम अदर कंपनीज। कौन सा लेना है? LIC पहला चॉइस होगा आपका, दूसरा HDFC होगा, तीसरा SBI होगा, चौथा आपका ICICI होगा। कोई नई कंपनी आएगी उसको 20 साल लगेंगे मार्केट शेयर गेन करने में, ठीक है। तो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर को, मैं देख रहा हूँ 15-20 साल के बाद। जितने डाल रहे हो एनपीएस में पैसे कहाँ जाने वाले? 40% मान लो एनुटी आने वाला है, मान लो गवर्नमेंट इसको नहीं हटाने वाली नहीं, जैसे मुझे लग रहा है इसको जो है पूरा रिडीम नहीं करने वाली है, पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम ही रहने वाला है, शायद 40% है, बाद में इंक्रीज कर दे वो, हो सकता है डिक्रीज नहीं करने वाली, तो एनुटी का पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ जाने वाला है? एट द एंड में तो इंश्योरेंस कंपनी के पास आने वाली है। कौन सी कंपनियां हैं आपको? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एनुइटी, तो आपको प्रोस्पेक्ट है, विजन है, लॉन्ग टर्म देख सकते हो, पैसे बन जाएंगे, नहीं है 2 रुपए डाउनफॉल पे दिक्कत होती है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। मेरा काम है बताने का, एज एडवाइजर मैं काम कर देता हूँ, मेरा जो है आपके डिसीजन पे मेरा कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम जो है बता दे रहा हूँ, बाकी आपको जो करना है, जो भी स्ट्रैटेजी लगानी लगा सकते हो, मैं जो स्ट्रैटेजी वाला काम नहीं करता, सिंपल काम है, पैसे बना के दो, आपके फायदा है, इन्वेस्टर का फायदा है। HDFC रिटर्न देगा कि नहीं सर जी? सर जी अब सेल कर दो सर जी, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है सर। स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा सर जी, कर सकते हो, मेनली जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, आप कर सकते हो सर जी इसमें, ठीक है। सर ONGC फाइव में, सर जी फाइव का मुझे आइडिया नहीं सर जी, ये वाला काम मैं करता नहीं, शॉर्ट टर्म वाला, फाइव में क्या होगा सर? मार्केट क्या साइडवेज हो गया है सर जी? मुझे पता नहीं हो गया नहीं हुआ है, मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर है, मैं चाहता हूँ मार्केट नीचे आए, पर्सनली चाहता हूँ मैं, ठीक है सर। जब तक इंटरेशन का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक एफएमसी स्टॉक्स रिटर्न नहीं देंगे, इंटरेशन के प्रॉब्लम से हमेशा ही रहता है सर, ये कंजम्पशन स्टॉक है, इन्फ्लेशन से इसको मतलब नहीं,
ठीक है, इसको इन्फ्लेशन से मतलब नहीं, इन्फ्लेशन के लिए स्किल बेनिफिट बेनिफिट होने वाला है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके पास। ठीक है, अब देख लो क्या करना नहीं करना है। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस सर जी, मैं कब से बोल रहा हूँ सर जी, आप अभी भी ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है तो मोमेंटम सर जी उसके तैयार है, वो जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसे मोमेंटम के बारे में। ठीक है, नमस्ते सर जी, कैसे हो आप सर? स्कैन एस बी आई पी ओ अप्लाई फॉर सेबी आ रहा है नहीं सर जी, आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, और मुझे लाइसेंस मिलता है मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो तो कर दो, क्योंकि सर जी आप दो काम नहीं कर सकते, या तो आप इन्वेस्टर को सर्विस कर दो या फिर सेबी का ले, क्यों ले रहे हो, तब दो काम नहीं कर सकते सर जी, फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, आप जॉब पे रहोगे, सेबी आरआई भी लोगे, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, फोर्जरी में पहुंच गए तो आप सेबी का आरआई लाइसेंस भी जाएगा और जॉब भी जाएगा, तो ओवर स्मार्ट मत बनना सर जी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दे रहा है, इन द सेंस कि आप इन्वेस्टर से चार्ज कर सकते हो पैसे, आप सॉरी बोलता हूँ, आप पैसे लीगली चार्ज कर सकते हो, जो भी आपका चार्ज फीस है आप चार्ज करो। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो उसको आप ट्रैक करो। ट्रैक कैसे करोगे, ट्रैक कैसे करोगे, दोनों काम कैसे कर सकते हो, जॉब पे भी हो और गाइड भी कर रहे हो, इथिकल नहीं है, कंप्लाइंस फॉलो अलाउ नहीं करता, ध्यान रखना। अगर आप अप्लाई कर सकते हो, सेबी पीओ हो, मेनली आपका इंटरेक्शन है क्या बोलते हैं बैंक के कस्टमर से, मतलब आप जो है काम कर रहे हो क्या बोलते हैं ये वाला एडवाइजिंग वाला, आपको लाइसेंस मिलता है, यू आर नॉट एबल टू वर्क। ठीक है, सिंपल है, देख लेना क्या है, नहीं जॉब तो छोड़ना नहीं है आपको, तो फिर जो है लाइसेंस वाला काम जो है छोड़ दो, आरआई वाला जो काम जो है वो छोड़ दो, क्योंकि आपको लाइसेंस लेने के बाद जॉब छोड़ना पड़ेगा, ये कंफर्म है। निपॉन के ETF में कौन सी कंपनी है, कहाँ चेक कर हो जाता है सर जी? आप NETF ऑटो आप सर्च करो niftyindices.com, NIFTYINDICES.com, वहां पे चेक करो, वहां पे निफ्टी ऑटो का आपको सेगमेंट आएगा, सॉरी बोलता हूँ, आपको सेक्टोरियल सेगमेंट आएगा, उस पर क्लिक करना, निफ्टी ऑटो आएगा वहां पे चेक कर सकते हो सर जी क्या है नहीं है। सर विप्रो एंड वीजा वर्ल्ड वीजा पे क्या व्यू है सर जी आपका? विप्रो से ऐड कर सकते हो, वर्ल्ड वीजा छोड़ दो सर, इस पे मेरा व्यू नहीं है। सर व्हाट इज एग्जैक्ट टाइम ऑफ ईएमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर? शायद 3:30 के बाद कभी भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, नहीं 4 PM के बाद, क्योंकि 3:40 से लेके 4 PM तक आपका जो रहता है वो रहता है आपका पोस्ट मार्केट ऑर्डर, तो 4 PM के बाद वो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर, कोई 5 PM के बाद अलाउ करता है, कोई 6 PM के बाद अलाउ करता है, ब्रोकर आपको जब भी अलाउ करे वो जो है आपको कर सकते हो। 3:40 दैट टाइम आई कैन प्लेस ऑर्डर बट इट्स ऑन एएमओ 4:10, हाँ मैं बता रखा है आपको 3:40 से लेकर 4 PM तक आपका जो है पोस्ट मार्केट ऑर्डर होता है, तो कोशिश करना 4 PM के बाद प्लेस करना, जो भी है, जो भी आपका जो है ब्रोकर बोल रहा है। ठीक है सर जी, ONGC लॉन्ग टर्म मोमेंटम देख सकते हो तो करना, तो वैसे एडवाइजर इन्वेस्टर मत बन जाना सर जी। 134 बाई किया था, 144 बाई किया था, 134 आ गया, अभी 170 चल रहा है, तो यही काम करना आपको, ऊपर बाई करके नीचे चल करना, तो फिर वही करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, डिविडेंड मिलता रहेगा सर, डिविडेंड तो यील्ड आपका कम होता रहेगा जितना आपका नीचे है, लेकिन ऑयल कंपनीज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में रिटर्न मिलेगा आपको, और इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, इन्फ्लेशन हाइक होता है, GDP ट्रैक पे आती है, तो ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे, चीजें आपको देखने में मिल सकता है पॉजिटिव साइड में, लेकिन मैं बहुत नीचे से बोल रहा हूँ, 55-65 से बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है इन्वेस्टर कैसे, मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, मैं कंफर्म हूँ अपनी चीजों में, टाइम देता हूँ सर जी मैं अपने अपने इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है नहीं होता है, तो उसके साथ देख लेना, शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट करो। सर इफ आई हैव सेव्स इन माय डीमैट अकाउंट बिफोर एक्सटेट और रिकॉर्डेड देन 2-5 आफ्टर रिकॉर्डेड, इफ आई सेल शेयर्स आई एम एलिजिबल फॉर डिविडेंड सर जी? हाँ, अगर आपका रिकॉर्डेड को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है उसके बाद कभी भी आप सेल करो, दिक्कत नहीं है। अदानी विलियम्स सर, आप IPO अप्लाई कर दे सर जी। ठीक है सर जी, हैवेल्स इलेक्ट्रिक में आपका व्यू सर जी, बने रह सकते हो उस कंपनी में सर, मानक कॉइन सर जी, मैं सवाल समझा नहीं सर जी आपका, कॉइन सर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉइन जीरोधा का कॉइन जो है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जाके आप उसको यूज कर सकते हो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय और सेल करने के लिए। ठीक है, व्यू ऑन डीमार्ट एंड डिविज लैब, डीमार्ट मेरे तो फिलहाल अभी ना है, डिविज लैब आप ऐड कर सकते हो। एशियन पेंट्स एंड बजाज फाइनेंस में मंथली 1 शेयर सिप कर रहा हूँ सर जी, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इस मार्केट प्राइस इंक्रीज करे क्या? एशियन पेंट बजाज फाइनेंस में मंथली 7 शेयर कर रहा हूँ, अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है एज मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है सर जी, आप 1 शेयर ही बाय कर सकते हो,
फ्रैक्शन में नहीं होगा। स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब आप ऊपर प्राइस पे बाय करते रहो, वन शेयर आपको सिप कर रहे हो मतलब आपको प्राइस नहीं देखना। आपका जो टाइम फ्रेम है 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स का, उसमें आप सिप करते रहो, अभी ऊपर है नीचे आएगा, नीचे प्राइस पे बाय होगा आपका, तो वहां प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, आप क्वांटिटी ही फिक्स करोगे। जब भी आप स्टॉक्स में सिप करते हो क्वांटिटी ही फिक्स करना, प्राइस फिक्स करोगे वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि मान लो प्राइस नीचे है तो तब तो बाय हो जाएगा, प्राइस ऊपर चला गया तो हमेशा क्वांटिटी फिक्स करना। करते हो रोजा जी, सर बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर सिप, एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो, ठीक है आप इसको ऐड कर सकते हो, और आपको ऐड करना है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है आपका तो ठीक है। सर आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक या टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए ऐसा है सर जी, कोई सा भी एक सा भी ले लो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक जो है वही आप ऐड कर सकते हो, ठीक है 10 इयर्स के लिए आप ऐड कर सकते हो सिप मोड में। सर क्या शेयर गिफ्ट किया जा सकता है? हाँ आप कर सकते हो, जीरोधा के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है आप हाँ जीरोधा के थ्रू कर सकते हो, या फिर डीआई स्लिप आता है, डीआई स्लिप है आपके पास तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, दो चीजें एक तरफ से आप कर सकते हो। से अबाउट डाइट वेलनेस फॉर लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत 2% या 3%, ठीक है ऐड कर सकते हो इसको। सर ऑप्शन ट्रेडिंग में सर ब्रोकर चार्ज कितना लगता है? सर वो डिपेंड करता है, और आप एसबीआई सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कर रहे हो 100 रुपीज पर लॉट, जीरोधा कर रहे हो 20 रुपीज पर ऑर्डर, डिपेंड करता है ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सर जी आप जो है कर सकते हो। सर मैं आपको एडवाइस से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी मैं चार्ज नहीं करता, मैं ऑथराइज नहीं हूँ सर जी मैं एडवाइस का चार्ज लेने के लिए, ठीक है सिंपल टर्म में समझो, सिविल रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तब लूंगा सर जी। मैं ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं रीच कर चुका हूँ, मैं 2014 से मुझे पता था मुझे जो है लाइसेंस लेना है, क्योंकि मुझे मेरे इन्वेस्टर नहीं बोला हुआ था, एक इन्वेस्टर नहीं बोला हुआ था कि सिविल लाइसेंस का वैल्यू क्या होता है, तो मैं 2014 से ही काम कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, मैं ऑलमोस्ट रीच कर चुका हूँ, लाइसेंस मुझे मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मतलब एक साल का डिफिकल्टीज हो रहा है, नहीं तो मैं आरआई के लिए अप्लाई कर देता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए भी, ठीक है मेरे पास 10A 10B दोनों हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि एक साल का एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है मेरे पास, ठीक है वो इस ईयर एंड तक हो जाएगा, तो मैं रिसर्च एनालिस्ट के लिए फिलहाल अप्लाई कर दिया हूँ, वो भी मिल जाएगा दिसंबर में, मैं आपको आरआई भी ले लूंगा ठीक है, तो दोनों लाइसेंस रहेंगे मेरे पास, उसके बाद देखता हूँ पीएमएस के लिए मैं कब ट्राई करता हूँ, पीएमएस के लिए मुझे सीखना पड़ेगा काम, तो मैं सीख के 5 इयर्स बाद 6 इयर्स बाद मैं ट्राई करूंगा, पहले मुझे काम सीखना, तो मैं पहले सर जी मैं लाइसेंस लेता हूँ फिर मैं चार्ज करूंगा ठीक है, वो इथिकल नहीं है कि मैं चार्ज करूँ फिलहाल में, मैं बिना चार्ज के सर्विस नहीं दूंगा सर जी, प्रोफेशनल प्रोफेशनल ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, आपने क्या मांगा है, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कंप्लाइंस अच्छे से फॉलो किया है, ये ट्रस्ट वाला बात जो है बीच में तभी आता है जब कंप्लाइंस क्लियर हो ठीक है, तो आप भी कर लेना मैं भी, वो बिना जो है सर्विस चार्ज के जो है वर्कआउट नहीं करने वाला, मैं प्रोफेशनल हूँ प्रोफेशनल हूँ सर जी। एनी व्यू ऑन स्टॉक क्राफ्ट सर जी? फिलहाल नहीं सर जी ठीक है, बिल्कुल नहीं। अदानी आईपीओ अप्लाई करना चाहिए सर जी? कर सकते हो आप, चिंता मत करो नीचे भी आएगा मैं मैनेज कर लूंगा सर जी, वो क्या बोलते हैं वो भी तो नीचे है आपका बिरला एमसी, लेकिन चीजें मुझे पता है कंपनी क्या है क्या करती है नहीं करती, दिक्कत नहीं होने दूंगा ठीक है, अब बस बने रहो। सर आई अप्लाइड फॉर अदानी विल्मा आईपीओ बट टू ऑटो पे रिक्वेस्ट कुड नॉट मैटरलाइज एंड नो ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट हैव रिसीव, डू वी हैव टू अप्लाई अगेन टुमारो? अप्लाई करते रहो सर जी जब तक आपका ऑथराइजेशन ना हो जाए ठीक है, अप्लाई कर दो ऑथराइजेशन कर दो ठीक है, ऑथराइजेशन हो गया तो दूसरा ऑथराइजेशन आता है क्लिक उसको छोड़ देना, ऑलरेडी आपने ऑथराइज कर दिया सिंगल वाले को दिक्कत नहीं होगी ठीक है, आप ऑथराइज कर दो कैंसिल मत करना, दूसरा अप्लाई कर दो और जिसका ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट पहले आता है उसका जो अमाउंट ब्लॉक कर दो ठीक है। आईफिल फाइनेंस नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको आईसीआईसी सिक्योरिटीज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है आपको इस फील्ड में, समझ में नहीं आएगा टाइम दो ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको समझ में आ जाएगा टाइम दो ठीक है। सर काइंडली सजेस्ट बेस्ट सेल्स मार्केटिंग ऐप जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग एसबीआई कैप और एनी में आईएफएल ले सकते हो क्रो ले सकते हो पेटीएम मनी ले सकते हो जो भी आपको सही लगता है वो आप ले सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकिंग में जीरोधा है अपस्टॉक्स है पेटीएम मनी है ग्रो है यूज कर सकते हो आप आईएफएल है उसको यूज कर सकते हो आपका एसबीआई कैप थोड़ा महंगा है वो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर इन्वेस्टर्स को सेफ्टी मान लो जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज में क्या होता है एजेड कस्टमर ज्यादा आते हैं 50-45 ईयर्स से ऊपर वाले 50 ईयर्स से ऊपर वाले उनको सेफ्टी चाहिए उनको पैसे से दिक्कत नहीं है ऑलरेडी वो सब काम कर लिए होते हैं लाइफ में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुका होता है तो उनको सेफ्टी चाहिए उनको सेफ्टी लगता है एसबीआई सिक्योरिटीज में सेफ है मेरा पैसा
तो उनके लिए ठीक है, ठीक है, उनको मैं नहीं बोल सकता कि यहां उनके लिए ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं वैसे वाले कि उनको चार्जेस टेक क्या, उनको दिक्कत नहीं होती चार्ज पे करने में, चार्ज पे करते हैं वो, लेकिन उनके लिए ठीक है, जिनके लिए कंफर्टेबल है। आपको चार्जेस कंसर्न है तो आप जो है बेटर है जीरोधा यूज करो सर, ठीक है सर। डेस्कटॉप में चैट ऑप्शन डिजेबल नहीं किया, चैट नहीं हो रहा है सर जी। सर डेस्कटॉप में चैट ऑप्शन डिजेबल है क्या, चैट नहीं हो रहा? मैं सवाल समझा नहीं सर जी आपको क्या है, ठीक है, मैं जो सवाल नहीं समझ पाया सर जी क्या कर रहे हो आप। सर प्लेज होल्डिंग में रुपी चले गए कैसे निकालो सर जी, मैं सवाल समझा नहीं सर। प्लेज होल्डिंग में रुपी चले गए, आपका लॉस था क्या? ठीक है, अगर लॉस था तो नहीं आने वाला, आपने स्टॉक प्लेज किए हैं, पैसे आपको मिले हैं तो उसको अनप्लेज कर दो। प्लेज अनप्लेज का वीडियो कैसे होता है मैं बना रखा है, ठीक है, जाके देख सकते हो आप, तो उसमें जो कोई कंसर्न नहीं है आपका, प्लेज था अनप्लेज कर दो, उसमें दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। रुपी चले गए सर जी वो वापस नहीं आ सकते, अगर आपने लॉस किया है तो वापस नहीं आ सकते, और अपने चार्जेस पे किए वो वापस नहीं आ सकते, समझ गए। LIC IPO यस और नो यू प्लीज सर जी, यस LIC IPO सर जी अप्लाई कर देना, मैंने बता रखा है आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, ठीक है। ये सेक्टर में रैली आएगी, बहुत अच्छी रैली आएगी, लेकिन फिलहाल नहीं लगती, लेकिन आएगी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में, कोई सेक्टर जो है छूटता नहीं। चीजें आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जो है चीजें जो है नीचे और हो सकती है, लेकिन वो अपने अपॉर्चुनिटी हमेशा ध्यान रखना। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस सर जी थोड़े बहुत अप्लाई कर सकते हो सर इसमें, ठीक है सर। ऐसा प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन जिस पे किसी भी कंपनी के बारे में रीड किया जा सकता है, टिकट टेप यूज कर सकते हो सर जी आप, ठीक है। NSE इंडिया है, वहां जाके आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करो, मिल जाएगा आपको चीजें। टिकट टेप में आपको चीजें आसान कर देगा, चाहे वो जो भी आपके हैं, जो भी आपका जो भी ढूंढना है आपको, वहां पे आप चीजें आसान कर सकते हो। 1000 रुपीज लेता है साल का टिकट टेप .in, उसको जाके जो है आप सब्सक्राइब कर लो, पढ़ सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो आपको नंबर से बताएगा, आपको चीजें समझनी है तो आपको कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपनी करती क्या है, कस्टमर बेस क्या है इसका, क्या प्रोफाइल है, इकोनॉमी कहाँ जाने वाली, इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, वो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा सर जी, ठीक है। तो वो चीज देख लेना सर जी। LIC हाउसिंग फाइनेंस 5 ईयर्स के लिए ऐड कर सकता हूँ सर जी, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ सर जी, कर सकते हो। LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, दो कंपनियां हैं, ऐड करोगे अच्छा रहेगा सर। एनिटी फार्मा डाउन है बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों है? सिर्फ ये कोविड की वजह से है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, बने रहो, इतना जब पैनिक होते हो सर जी फिर निकाल लो बैंक अपने पैसे डाल, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म वाला सर व्यू नहीं देखता, मैं शॉर्ट टर्म में क्या है नहीं, बने रहो बस, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा रहेगा, मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए सर जी आपको जो है चार्ज पे करना पड़ेगा, फिर जीरोधा बेस्ट है, अपस्टॉक्स बेस्ट है, ग्रो बेस्ट है, पेटीएम मनी बेस्ट है, IIFL सिक्योरिटीज बेस्ट है, अगर आपको चार्जेस नहीं पे करने डिलीवरी वाले तो। कोटिक पे करोगे 1 लाख रुपीज पर 250 रुपीज प्लस GST, 300 रुपीज पर आपको चार्ज देना होगा ब्रोकरेज चार्ज। SBI सिक्योरिटीज में आपका 0.5% है, 1 लाख के बाइंग पे, डिलीवरी बाइंग पे आपको 500 प्लस GST 600 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज देना होगा आपको। तो ब्रोकरेज चार्ज आपका 0.25% से लेकर 0.5% तक सबसे ज्यादा बैंक ब्रोकर में है, तो कोई डिस्काउंट नहीं देगा आपको। अगर हाँ 6000 रुपीज का आप ईयरली मेंबरशिप ले सकते हो SBI सिक्योरिटीज का, सॉरी बोलता हूँ SBI बोलता हूँ SDS सिक्योरिटीज का या फिर ICICI सिक्योरिटीज का, तो आपका 0.1% हो जाएगा ब्रोकरेज, तब भी आपको 1 लाख के बाइंग पे 100 रुपीज पे करना पड़ेगा प्लस GST 120 रुपीज, ठीक है, वो चीज देख लेना सर। बॉस अदानी बिल्कुल IPO लगाना है सर जी, बिल्कुल लगा दो, ठीक है सर। आज तक आपको कौन सा ज्यादा प्रॉफिट बुक कर दिया है सर जी? मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, मुझे अलाउ नहीं है, मैं कंप्लाइंसेज में हूँ सर जी, मुझे ट्रेडिंग अलाउ नहीं, मैं ETF म्यूचुअल फंड्स और NPS तीन ही अलाउ है, मुझे अलाउ नहीं है सर जी, मैं सिविल रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं है ट्रेडिंग बिल्कुल। अगर आप एडवाइस करते हो अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, सिंपल टर्म ये समझो, समझ गए कंप्लाइंसेज क्या होते हैं वो पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है सर। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से सिर्फ चल रहा है, एक और कंपनी में करना है, कौन सी स्मॉल कैप कंपनी? सर स्मॉल कैप दोनों कंपनी क्यों लेनी, फ्लेक्सी कैप ले लो ना, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है आप वो ले लो, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है उसको यूटिलाइज कर सकते, यूज कर सकते उसको आप। सर अबाउट TT कैपेसिटीज वोल्टास सीजनल स्टॉक्स, आई नो फॉर लॉन्ग टर्म आई कैन आई सी मोमेंटम फॉर 15 ईयर्स, ऐड कर सकते हो TT कैपेसिटीज भी ऐड कर सकते हो सर जिसको आप, ठीक है थोड़ा महंगा है TT कैपेसिटीज, उसके हिसाब से देख लेना सर जी। वेलकम सर जी, कुछ सीख आपको कैसे करना सर जी, आपको तो एनवायरमेंट भी वैसा मिलता होगा, ठीक है
कुछ सीखना हो मार्केट के रिगार्डिंग कैसे है तो वह मैं बता सकता हूँ उसके रिगार्डिंग। सर सबसे सस्ता ब्रोकरेज वाला प्लान कौन सा है? जीरोधा बेस्ट है सर जी, ठीक है, उसको आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो, सबसे सस्ता ब्रोकरेज प्लान है, ठीक है। सर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है? मैंने बता रखा है सर जी कौन सा ब्रोकर अच्छा है, ऊपर ही बताया मैंने, चीजें बता दी है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है, समझ गए। अब वो डिपेंड करता है, मेरे पास सारे ब्रोकर के डीमेट अकाउंट है क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टर मिलते रहते हैं सारे ब्रोकर वाले, तो मैंने बोला ना 15,000 रुपीज में पे करता हूँ सिर्फ AMC चार्ज हर ब्रोकर का, 750 रुपीज के आसपास, 800 रुपीज के आसपास जो है, नहीं ऑलमोस्ट 900 रुपीज के पास जो है ICICI का, एक्सिस का, SBI का, HDFC का, कोटेक का चार्ज तो है, 5,000 रुपीज तो यहीं गए, ठीक है। बाकी जितने ब्रोकरेज है वहां पर 360 रुपीज 400 रुपीज पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो देख लेना कौन सा है नहीं है आपका, वो डिपेंड करता है कौन से, किस में आप कंफर्टेबल हो। आपको फ्रीक्वेंटली बाई करना है स्टॉक्स, थोड़े थोड़े बाई करने हैं तो बेटर है जो डिस्काउंट ब्रोकर है उस पर आप बेट करो, सही रहेगा। डिस्काउंट ब्रोकिंग आपको आपका जो है ब्रोकरेज चार्ज जो है नहीं लगने वाला। निपॉन आईटी ETF में पैसे डाले हैं कि पर्सनल आईटी कंपनी में डालूं? सर जी NETF IT बेटर ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल टर्म में समझो। व्हाट इज पोस्ट, पोस्ट मास्टर ऑर्डर नहीं होता सर, ये पोस्ट मार्केट ऑर्डर होता है। एक होता है प्री मार्केट ऑर्डर, एक होता है पोस्ट मार्केट ऑर्डर। पोस्ट मार्केट ऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर आप 3:40 PM से लेके 4 PM तक प्लेस कर सकते हो। बहुतों को लगता है मार्केट 3:30 क्लोज हो आता है, बिल्कुल सही है, मार्केट 3:30 क्लोज हो आता है और आपको ऑर्डर प्लेस करना है। मान लो आपका क्या बोलते हैं ऑक्शन हुआ हो या स्टॉक नहीं मिल रहा हो आपको, ठीक है, आपने ऑक्शन किया, स्टॉक अपर सर्किट में है, आपने बाय नहीं कर पाया, तो आप एक बार पोस्ट मार्केट ऑर्डर में भी ट्राई कर लो। 3:40 PM को क्या करना, वहां पे ऑर्डर लगा के छोड़ देना, और कोई सेलर आएगा वहां पे उस स्टॉक का, और कोई सेल करता तो ऑर्डर मैच हो जाएगा 3:40 PM से लेके 4 PM तक। यहाँ पे आपका जो भी पेंडिंग ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपको फ्रेश ऑर्डर मार्केट प्राइस पे, लिमिट प्राइस पे आप एंट्री नहीं कर सकते। फ्रेश ऑर्डर इक्विटी में NSE/BSE पे आप मार्केट प्राइस पे अप्लाई करना 3:40 PM से लेके 4 PM तक, ठीक है, और बाई सेल करने के लिए जो भी करना बायर सेलर अवेलेबल होगा तो आपका स्टॉक, आपका ऑर्डर बाई और सेल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल टर्म में ये समझो। सर टेलीकॉम हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर इज बेस्ट स्टॉक बताएं? सर जी टेलीकॉम में मैं बता रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज है सर जी फिलहाल, जियो अलग नहीं हुई और आपका एयरटेल है। हेल्थ केयर में सर जी आप अपोलो ले सकते हो, मैक्स हेल्थ केयर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप इंश्योरेंस सेक्टर में जो है आप लेना है तो ऑलरेडी बता रखा है 2-3 LIC का, तो जाहिर सी बात है बेट करना है सर जी, 65-70% मार्केट शेयर उसका अभी भी है, ठीक है। HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ऐसी पोटेंशियल लाइफ है, तीन जो है आप ऐड कर सकते हो। हैप्पीएस्ट अमाउंट से बता रखा है मैंने ना, मेरे तरफ फिलहाल अभी ना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऐड करना तो कर सकते हो लेकिन मोमेंट आप नहीं देख पाओगे, तो मेरे तरफ से ना वो बार बार सवाल पूछो सर नीचे आ रहा है, अच्छा ना ही बोल दो, ठीक है, क्योंकि समझाना मुश्किल है आप सबको, बहुत मुश्किल है, मैंने चीजें ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ फिर भी जो है दिक्कत है, तो बेटर है मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, वो समझ में आपको आता नहीं है क्यों नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ गया, 30% नीचे आ गया, तो बेटर है आप मेरे तरफ से ना है, NETF IT बेटर ऑप्शन है मेरे तरफ से, आप ऐड कर सकते हो। चलो तो मैं 10 lot ऑप्शंस बाय एंड सेल में सिर्फ 30 GST नहीं सर जी, 20 लगता है, 30 rupees नहीं सर जी, 20 rupees है मैक्सिमम, 20 rupees ले सकता है, ध्यान रखना जो है, ठीक है। सर BPCL है विप्रो फॉर लॉन्ग टर्म? BPCL भी सर, BPCL अलग सेगमेंट है या विप्रो, दोनों में से कौन सा लेना है, कौन सा सेगमेंट लेना है, दोनों कंपनियां अच्छी, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है ले सकते हो। अदानी बिल मंथ में आप इतना श्योर कैसे हो सर जी, आप अप्लाई करो, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म नहीं देखता सर जी, मुझे लॉन्ग टर्म कंपनी की समझ क्या है नहीं, ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म सर जी कंपनी चूज कर लेता हूँ, उतनी मुझे स्किल है, उतनी मुझे चीजें हैं, मुझे कैसे रहना है नहीं रहना उसका मुझे पता है, ठीक है। 1.6-1.7 years से तो मैं लाइव कर रहा हूँ, एक ही फॉर्जरी वाली कंपनी बताया नहीं बताया, ठीक है, तो मुझे पता है सर जी कंपनी क्या चूज करना है, जो आपको लगता है वो मैंने पहले ही कर लिया है, 8 years पहले ही मैं देख चुका हूँ सब कुछ क्या है नहीं, क्या होता है मल्टी बैगर, क्या डायमंड बैगर, क्या प्लेटिनम बैगर, सब मैंने देख लिया, ठीक है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली लाइव कर लेता हूँ, नहीं तो अभी तक मैं इंटरटेनमेंट एडवाइजर होता तो मैं सबको इंटरटेन कर रहा होता, अभी तक सिर्फ कमेंट आ रहे होते, मैं ब्लॉक करने में लगा होता सबको, TTM में पैसे डूब गए, ट्राइडेंट में डूब गए, रिलायंस पावर में डूब गए, इसमें डूब गए, मुझे पता है कंपनी कैसी ना तो ना, ठीक है, मुझे सर जी पता है कंपनी की समझ है क्या है नहीं, अब कैसे करता हूँ नहीं करता हूँ सर जी वो मेरी स्किल, ठीक है, आपको बस एडवाइस
जो दे रहा हूं समझ में आता है इन्वेस्ट करो, नहीं समझ में आता इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। सर आईआरसीटीसी शेयर्स क्या और ऐड करना चाहिए? फिर से बोल रहा हूँ मेरे तरफ से ना है आईआरसीटीसी शेयर्स को, मैं इस वैल्यूएशन पे नहीं बोलूंगा, वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है मुझे आइडिया नहीं, मैं इस वैल्यूएशन पे रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर है तो बने रह सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो है मेरा रिकमेंडेशन इस पर नहीं। एलआईसी का आईपीओ कब तक आएगा सर जी? मार्च एंड तक हो जाएगा, शायद इस वीक या नेक्स्ट फर्स्ट वीक में जो है आपका डीएचआरपी जो है वो फाइल कर देगी सेबी के पास, ठीक है। एलआईसी जो है सेबी लेती है 45 डेज का टाइम, 57 डेज का टाइम लेती है शायद, गवर्नमेंट ने बोला 3 वीक्स के अंदर आप इसको इशू करो, क्या बोलते हैं पास करो, मार्च एंड तक चला आएगा, मतलब मार्च एंड तक जो है आईपीओ मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, इसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। अरविंद मैथ से मैं भी अभी नहीं खरीदना सर जी, अरविंद में अभी अरविंद मत खरीदो फिलहाल अभी, ठीक है। टेक्सटाइल कंपनी में फिर से बोल रहा हूँ, टेक्सटाइल कंपनी जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर नहीं है, तो एक कंसर्न मेरा उसमें है टेक्सटाइल कंपनी में, तो वो चीज आपके पास क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। दूसरी कंपनी अवेलेबल है, आप पेट कर सकते हो उसमें। मैं फिर से बोलता हूँ अर्निंग्स वाली कंपनी चूज करो, बेटर ऑप्शन रहेगा। सर जी 3,000 नेक्स्ट स्मॉल कैप में करना है, किस रेशियो से करे? ग्रो ऐप से सर सिर्फ कैसे करे? अगर कभी कभी कम पड़ता है तो यह क्या होगा इसके ऊपर? सर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ ग्रो ऐप और अपस्टॉक जैसा कमेंट आया हुआ है आपका, ओटीएम करता है। अगर आपका पैसा कंसिस्टेंट नहीं है कि मतलब आपके पास 3,000 रुपीज डायरेक्ट जो है कैश फ्लो नहीं अवेलेबल है बैंक में, आपको कभी कभी यूटिलाइज कर लेते हो, तो ओटीएम मत करो, मैं चीजें बता दे रहा हूँ, नहीं पता होगा 600-700 रुपीज फाइन लगने वाला है। ओटीएम बाउंस होगा मतलब चेक बाउंस है। अगर आपका 3 सिप है, 3 सिप में आपने ओटीएम 3 टाइम्स 1,000-1,000 रुपीज का सिप किया है आपने और 3 टाइम्स ओटीएम मिस हुआ आपका, ऑलमोस्ट सारे बैंक आपको 600+ GST ऑलमोस्ट 700 रुपीज वो चार्ज करते हैं, तो आपका 2,100 रुपीज जो है सिर्फ चार्ज लगेगा ओटीएम चेक बाउंस चार्ज, ठीक है। सिप अलग होता है, ओटीएम अलग होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सिप के नाम पे ओटीएम फाइल बढ़ा देंगे आपका, अगर ओटीएम तभी करना जब आपके बैंक बैलेंस हमेशा 3,000 रुपीज अवेलेबल हो, हमेशा क्या भूलो मत, वो आपका ऑटोमेटिक काट ले, तब ओटीएम करना, ठीक है। जीरो द क्वाइन द बेस्ट, ओटीएम नहीं करवाता है, वो पैसे हैं फंड्स में वो काट लेगा, जीरो द फंड्स में नहीं है तो उस मंथ आपका जो है कोई पेनल्टी नहीं लगने वाला, तो वो आपका ऑप्शन बेस्ट रहेगा। सर योर व्यूज ऑन नारायण हिंदू वाले थोड़े बहुत सर ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो चीज बता दिया मैंने। सबसे पुराने स्मॉल कैप फंड्स का नाम और रिटर्न सर जी? मुझे आइडिया नहीं सर जी पुराने फंड्स का नाम कौन सा है, फिलहाल अभी जो है याद नहीं सर जी, ठीक है। फिलहाल अभी एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर निपॉन स्मॉल कैप फंड में दोनों में से जो भी लेना ले सकते हो। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे आप ओनली सिप कर सकते हो, लमसम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक कंसर्न है वहां पे कि मान लो मार्केट नीचे आता है, अच्छे रेट में मिलता है आपको, आपको लमसम डालना है तो नहीं कर सकते, वो आपको फंड्स अवेलेबल है ओनली आपका एक्सिस वाले में और निपॉन वाले में, तो एक्सिस को यूज करना तो यूज कर लो। एलआईसी का आईपीओ बता दिया मैंने, मार्च एंड तक चला आएगा। सर जी डिविडेंट ग्रोथ स्टॉक 2-3 बता दीजिए और इसका मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 12 स्टॉक का लिस्ट मैंने बता रखा है डिविडेंट के बारे में, कौन सी कंपनियां हैं जाके आप ट्रैक करो मिल जाएगा, बता रखा है मैंने, ठीक है। 12 स्टॉक का लिस्ट जो है मैंने बता रखा है, जो सी कंपनियां हैं वो आप ऐड कर सकते हो। सर एसबीआई कार्ड्स मोनोपोली स्टॉक्स है? नहीं सर जी मोनोपोली स्टॉक्स नहीं है, या कोई कॉम्पिटिटर है स्टॉक्स मार्केट में? सर जी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है एसबीआई कार्ड्स के रिगार्डिंग, बहुत है, एचडीएफसी कार्ड्स है, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है, एमएक्स है, अमेजन के सर बोलता हूँ आपका, बहुत बहुत वाले बहुत आपके जो है ऐप भी हैं, तो प्लेयर्स बहुत हैं लेकिन मार्केट बहुत है, तो ये मत सोचो कि मतलब जो है इसका जो चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं करेंगी, मार्केट बहुत है, चीज़ें जो है अभी तक ओपन होना या फिर पूरे जो है फुल फ्लेज जो है उतना मार्केट डेफ नहीं पहुँचा है अभी तक, ठीक है, मार्केट भी बहुत है। बाकी आप जो भी बोलो पे एंड यू जो भी है, ठीक है, सिंपल टर्म में समझो जो भी आप सोच रहे हो वो काम कर सकती है SBI कार्ड्स, मेनली 90 करोड़ का इसके पास बैंक कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर है, तो चीजें क्लियर हैं, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मोनोपोली मतलब होता है सर जी कि उस फील्ड में कोई दूसरा ना हो, मोनोपोली का मतलब वो होता है उस फील्ड में, पिडालाइट के फील्ड में कोई दूसरा नहीं जो उस लेवल का बिजनेस करता या फिर कुछ, तो उसके पास मोनोपोली है सर जी, प्राइसिंग का भी मोनोपोली है, जो भी चीजें हैं तो उसका है मोनोपोली, वो कोई दूसरा नहीं है सर जी, ठीक है। तो वो चीजें आप जो है
सर मेरा क्वेश्चन आप नहीं लिया सर जी, मैंने लिया है सर जी सबका क्वेश्चन लिया, ठीक है ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन नहीं दिखा हुआ सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं सारे सवाल लेता हूँ, आप किसी के सवाल नहीं दिखते तो मैं मुझे पता नहीं सर जी, ठीक है वो जो है आप सवाल पूछ लिया करो जो भी सवाल है आपका, की बजाय मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, आप सवाल दोबारा पूछ लिया करो, बट नहीं आ रहा मुझे पता नहीं कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है मैंने, उसके रिगार्डिंग कुछ हुआ होगा क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, जो भी हुआ होगा तो सवाल आप दोबारा पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है जो भी, ठीक है सर। मैं रिलायंस लिमिटेड का 2.32% शेयर होल्डर्स हूँ, प्रॉफिट दे रहा है क्या करूँ सर रिलायंस लिमिटेड में, तो सर जी मैं सवाल नहीं समझ सकती, रिलायंस लिमिटेड मतलब कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्रीज है क्या सर जी, तो बने रहो सर जी क्या करना है, ठीक है सिंपल है, रिलायंस लिमिटेड का मतलब सर जी मैं सवाल समझा नहीं किस की कंपनी के बारे में बात बोल रहे हैं सर, म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप लॉन्ग टर्म वाले हो चीजें क्लियर हैं आपको, रिस्क मोमेंटम आपको पता है, ठीक है मैंने म्यूचुअल फंड का लिस्ट बता रखा है टेलीग्राम के ऊपर पिन कर रखा है, जो भी आपको सही लगता है चूज कर सकते हो उसके ऊपर, जो भी आपको सही लगता है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है वो आपके लिए सही रहेगा, बाकी आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से डिसाइड होता है क्या आप कैसे इन्वेस्टर हो। सर हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन एनालाइजिंग ए कंपनी सर जी, मेरा सर जी काम ही यही है, मैं जॉब पे हूँ मेरा काम ही यही है, यही सब देखना है सर जी, ठीक है इन डेप्थ मेरे पास टाइम नहीं है और मैं चाहता भी नहीं वो वाली कंपनी भंगार टाइप की कंपनी में मैं फिलोसफी बनाऊँ, ठीक है जो चीजें हैं जहां तक मुझे समझ है मैं कर लेता हूँ, एट द एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं रियलिस्टिक रिटर्न पे मैं हूँ, उससे ऊपर मैं ना प्रॉमिस करता हूँ ठीक है ना इन्वेस्टर को ना मैं क्या बोलते हैं बोलता हूँ कि ये आने वाला है, 12-15% मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर इन्वेस्टर बोलता है मैं बोलता हूँ सर जी नहीं होने वाला रिस्क, अब रिस्क लेना है तो रिस्क है तो फिर लॉस भी है, तैयार हो मुझे बताने के क्या जाता है, लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको बैंक एफडी की सेफ्टी चाहिए ठीक है और ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न चाहिए, पॉसिबल कैसे, अगर 5,000 रुपये आपसे मैं चार्ज लूँ और मुझे ये चीज पता हो कि बैंक एफडी का सेफ्टी हो और ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न हो तो मैं खुद का पैसा ना बना लूँ क्या, कि मतलब 1 रुपये का रिस्क ना हो और ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न आता रहे, मुझे चीजें पता है एसेट क्लास मुझे पता है रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे पता है ठीक है, आप किस में कंफर्टेबल हो वो बता दो मुझे, जहां कंफर्टेबल हो वहां मैं इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा सच वो चीज मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है पूरा कैपिटल साफ होगा, सवाल ही नहीं है कि पैसे बचा सकते हो, किसी भी एडवाइजर को पकड़ लो आप किसी भी एडवाइजर को ठीक है, मैं शायद अगर एडवाइस करूं आपको ठीक है सिंगल साइड बोल रहा हूं तो शायद पैसे आपके थोड़े टाइम तक चल सकते हैं, बनना मुश्किल मुश्किल पैसे बनते ही नहीं ट्रेडिंग से ठीक है, किसी कंपनी के आप किसी भी एडवाइजर को हायर कर लो किसी को भी, और सिंगल साइड कर रहा तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहा है कॉल पुट सेलिंग कर रहा है कॉल पुट बाइंग कर रहा है हेजिंग कर रहा है तो थोड़ा और लंबा चल जाएगा पैसा, हेजिंग कर रहा है तो थोड़ा और लंबा चल जाएगा, पैसे सेफ्टी 2%, 3%, 4% पर मंथ रिटर्न कंफर्म कुछ नहीं है मार्केट में, कंफर्म एक ही है लॉन्ग टर्म बैठोगे चीजें समझ में है आपको समझ में ट्रैक करना आता है सेक्टर इकोनॉमी इंडस्ट्री आप एनालाइज कर सकते हो समझ में है उतनी तो आप जो है और उससे बेहतर रिटर्न जनरेट करोगे ठीक है, वो है आपको पर मंथ पर आवर पर मिनट रिटर्न चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है, अब पढ़ते रहो सर जी हो जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठता हूँ मुझे इस फील्ड में मुझे बोरिंग नहीं लगता क्या करना नहीं करना, मुझे इंटरटेनमेंट मुझे मजा आता है इस फील्ड में ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं क्या है नहीं, मैं पढ़ता रहता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है तो कोरिलेट करता रहता हूँ यहाँ ये हाँ वो हाँ, तो वो आपको नॉलेज के साथ ही आएगा, कोरिलेशन पावर है आपका कोरिलेट करते रहो, आपको चीजें पता होना चाहिए तभी कोरिलेट कर पाओगे क्या करना नहीं करना है, कहीं कुछ दिख गया तो हाँ उसको मैं रिलेट कर लिया ठीक है कैसा है नहीं है तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन फॉर्म करता हूँ कैसा है ठीक है, करते रहो हो जाएगा सर जी क्या है नहीं, आपको मैथमेटिक्स उतना नहीं करना आपको बस समझना है, ऑलरेडी सबका आपको फॉर्मूला निकालना नहीं है सबका सॉफ्टवेयर है फॉर्मूला निकला हुआ है बस प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है वो समझ में आना चाहिए बस और कुछ नहीं करना, बैठो निकालने के लिए सब कुछ निकला हुआ है क्यों करना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्यों लगाना आपको सब कुछ निकला हुआ है आपको बस समझना है क्या होता है कोरिलेट करना है इकोनॉमी समझनी है इंडस्ट्री समझनी है उसके बाद जो है अपने आप को डिसीजन ले फॉर्म करना है क्या करना नहीं करना है ठीक है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, अदानी पोर्ट अभी ले सकते हैं सर जी अदानी पोर्ट अब ऐड कर सकते हैं सर जी पोर्टफोलियो में ठीक है,
मैंने बता रखा है सर जी आपको, सर ऑप्शन करना चाहिए नहीं सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ पैसे नहीं बनेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप करो, ठीक है, फिर बोलोगे सर जी पैसे नहीं बनते, मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं सीखने के लिए बोल रहा हूँ, बिना करे सीखे सीखोगे नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं कि पैसे बनते नहीं बनते। आप क्या करो, आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है ना, 20% पैसे आप रिस्क ले सकते हो, 20,000 रुपीज आप निकालो, ठीक है, उस पैसे से आप 3 मंथ्स ट्रेडिंग करो, चाहे 20,000 रुपीज का 20 लाख हो जाए या 20,000 रुपीज का 0 हो जाए, मुझे पता है 0 होने वाला है, ये मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कैसे आप गैम्बलिंग करते हो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, वही मेथड है आपका, लगाओ 2 रुपीज वाले ऑप्शन में, 20 रुपीज का हो गया पैसा बन जाएंगे, 0 रुपीज का हो गया 2 रुपीज का 0 हो जाएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके बाद, हिट एंड ट्रायल मेथड, कोई दूसरा इसमें आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते, 20,000 रुपीज निकालो जो भी करना है करो, बस ये माइंड में रखना पैसे 0 होने वाले हैं, बिल्कुल पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है, इसमें मैं कंफर्म हूं, कंफर्म मतलब कंफर्म हूं। अब वो 20,000 रुपीज आप कितने टाइम तक चला सकते हो, 1 मंथ चल गए, अब बहुत कुछ सीख जाओगे, बजाय 1 कॉल में आपने डाला 0 हो गया, और आप उसी पैसे को स्टॉप लॉस, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेके चलते हो, चाहे जो भी लेते हो, कॉल पुट बाई करते हो, बाइंग कर सकते हो 20,000 में, आप तो जो भी करते हो उससे आपका 1 मंथ आप मान के चला लिए आपने, ठीक है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, 3 मंथ तक चलाना और 20,000 रुपीज का 20,000 रुपीज भी बचा हुआ है आपका, ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो बहुत अलग है, पर 20,000 रुपीज भी बचा हुआ है, तो आप 3 मंथ के बाद जो है 40,000 रुपीज और ऐड कर देना, कितना वैल्यू हो गया 60,000 रुपीज, फिर से सेम काम करना 3 मंथ के लिए, समझ जाओगे क्या होता है, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड में पैसे बन रहे हैं आपको, आपको ये बिलीव नहीं करना कि मुझे आ चुका है, बिल्कुल नहीं करना है, तरीका सीखने का यही है, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो ना आप सीख पाओगे ना कुछ कर पाओगे, ठीक है, तो जो मैं बोला हूं वो चीज कर लेना, कम से कम 3 मंथ जो है 20% पैसे निकाल लो, ट्रेडिंग करो, 0 हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं सर, 3 डेज में 0 हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 होता ही होता है, आपके 1 लाख रुपीज डाले होते तो 1 लाख 0 हो गया होता, अभी भी आपके पास 80,000 रुपीज अवेलेबल है, 80,000 रुपीज में फिर से 20,000 रुपीज निकालो, आप फिर से ट्रेड करो, जब दूसरी बार लॉस हो जाए तब तो समझ जाना भाई साहब कुछ गलती है, ठीक है, पैसे नहीं बनते, और आपको एक्सपर्टीज करना है फिर से इन्वेस्ट कर देना, 50% ही लॉस होगा ना आपका, लेकिन आपने 3 टाइम में पूरा का पूरा चीज समझ गए और उसके लाइफ में निकलने वाले वो चीज, आप वो डिपेंड करता है क्या है? नहीं मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मेरे पास मैं बॉन्ड नहीं हूं कि आपको मैं रोक सकता हूँ, ठीक है, वो आपका डिसीजन सर्किल है और आपका आप क्या बोलते हैं राइट है कि आपको ट्रेडिंग करना है नहीं करना है, लेकिन मेरी जो समझ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बता दे रहा हूँ पैसे बिल्कुल नहीं बनने वाले, आप 1 ट्रेड में आप 0 कर लो पैसे को, या आप उसी पैसे को 50% पैसे को आप कम से कम 20 ट्रेड, 30 ट्रेड, 40 ट्रेड में 0 को, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है सीखना, सीख गए निकल गए उस फील्ड से, दिक्कत नहीं होगी फिर, लाइफ टाइम में दिक्कत नहीं होगी, छोड़ ही दोगे आप। एक्साइड का क्या फ्यूचर है सर जी, आप होल्ड कर सकते हो सर जी इसको, सिर्फ एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ कौन बेटर है सर जी, आरओआई 15%, 20% सर पर मंथ, सर देखो सबका अपना अपना काम है, सबका एक काम नहीं है, सिर्फ एक मीडियम है पैसे पुट करने के लिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको बैंक में बोलते हैं आरडी, एनपीएस का काम अलग है, पैसे डालोगे 60 ईयर से पहले निकाल नहीं सकते, ठीक है, पीपीएफ का काम अलग है, पैसे डालोगे 15 ईयर से पहले निकाल नहीं सकते, ईपीएफ का काम अलग है, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, इसमें आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें जो है आपका कंपनी, आपका सैलरी और कंपनी का सैलरी जो भी है 12% वो जाता है, तो वो क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, प्लानिंग क्या है, वो बताओगे तो मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं एनपीएस बोल दूँ पैसे आपको निकालने 15 साल के बाद, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, आपको पीपीएफ में चाहिए इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन रिटर्न चाहिए 20%, 15% पॉसिबल नहीं है, तो आप चीजें बताओ क्या चाहिए आपको, आपका सवाल जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है। जेपी पावर 20,000 सर जी, अराउंड 9, हाउ टू बुक प्रॉफिट सर जी, अराउंड हाउ टू बुक प्रॉफिट सर जी, सिंपल है, ठीक है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, आप 20,000 स्टॉक सेल कर दो 9 रुपीज पे, और बीएससी पे फिर से बाई कर लो,
प्रॉफिट जो हो रहा है 4.50 रुपए का इंटू 20,000 रुपीज जो प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल लो, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका उतना का फिर से बीएससी पे सर्वाइव कर लो। ठीक है, सिंपल टर्म है। अदानी विलियम के आईपीओ अप्लाई करना चाहिए सर, सुझाव दें सर जी। हाँ अप्लाई कर सकते हो सर जी इसको, आप बिल्कुल कर सकते हो आप उसको। ठीक है सर, अदानी विलियम का कैसे परचेज करें प्लीज गाइड सर जी। आप आईपीओ हर ब्रोकर का आईपीओ सेक्शन होगा, जाके वहां से अप्लाई कर सकते हो आईपीओ को। बिल्कुल वेदांता फैशन सर जी, नहीं इसमें मेरा व्यू नहीं है सर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन आवर 10 लाख, वांट टू कीप शेयर अप टू 2500, व्हिच कंपनी इज बेटर 2050, व्हिच कंपनी इज बेटर इन्वेस्टमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ पिडलाइट को, लाइफ इंश्योरेंस को, दो सेक्टर बेट करें, डाल सकते हो, देखना भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, देखना भी नहीं होगा। ओपिनियन ऑन अदानी विलियम्स सर जी, अप्लाई कर सकते हो सर जी इसको आप। ठीक है, मैंने बता रखा है सर। क्या मार्केट में भी साइकिल रिपीट होते हैं, और मार्केट में कितने टाइप के प्रेस फेज होते हैं? आप सर साइडवेज डाउनफॉल अपसाइड, ठीक है इसका टर्म मैं भूल रहा हूँ क्या है, कुछ दिन पहले ही पढ़ा हुआ था, मैं भूल रहा हूँ फिर से उसका टर्म क्या है उसका। साइडवेज मान लो कि मार्केट मूव नहीं करेगा, जैसे 2008 से लेकर 13 तक था बिल्कुल मार्केट फ्लैट था ना, ऊपर ना नीचे। ठीक है, मार्केट क्रैश बोल सकते हो डाउनफॉल को, जैसे 2008 में था, 20 में था, वो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, या फिर बुल फेज बोल सकते हो 2013 से लेकर 20 तक। तो 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में आपको सब कुछ दिखाएगा, 10 टू 12 इयर्स का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको बुल फेज भी दिखाएगा, साइडवेज भी दिखाएंगे, ठीक है, और आपको डाउनफॉल भी दिखाएगा। तो वो चीज जो है तैयार रखना, वो है ही, वो मार्केट का नियम है सर जी। वो ऑप्शन सेलिंग से पैसे बन सकते हैं सर जी, अगर हमेशा डीप, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसके रिगार्डिंग में आपको वो दे सकता हूँ, लॉजिक दे सकता हूँ, फायदा नहीं। आप हमेशा पैसे बना सकते हो, एक फिलोसफी, एक वो है क्या बोलते हैं, एक है ऑप्शन में वो बोलते हैं, एक टर्म है, बोलता हूँ उस वो आप करोगे तो हमेशा पैसे बनेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। डीप आउट द मनी, निफ्टी का वन लॉट, बैंक निफ्टी का वन लॉट सेल करोगे कितना कितना लगेगा? 1.5 लाख रुपीज, मैं सिंपल ले रहा हूँ 1 लाख रुपीज, करेक्ट। आपने 10 लॉट सेल किया, डीप आउट द मनी का प्राइस कितना होगा? 20 पैसे, 30 पैसे, ठीक है, मान लो 1 रुपीज, मैं हायर नोट में मान लो 1 रुपीज, ध्यान से सुनना, ठीक है। 10 लॉट मैंने सेल किया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, वैसे मैं 1.5 लाख रुपीज लगता है, मैंने 10 लाख रुपीज का ऑप्शन जो है सेल किया 1 रुपीज पे, लॉट है 50 का निफ्टी का, कितना हो गया? 500 रुपीज मुझे आए, 20 रुपीज ब्रोकरेज पे करूंगा, 20 रुपीज सेलिंग का पे करूंगा, 40 रुपीज, 10 रुपीज गवर्नमेंट टैक्स, 50 रुपीज, 450 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होने वाला है वीक में वन टाइम। एक्सपायरी की बात कर रहे हो, वीक में वन टाइम। मैं 10 लाख रुपीज को बैंक एफडी में डालता हूं एट द रेट ऑफ 4%, मुझे मिलने वाला है 40,000 रुपीज पर ईयर, डिवाइड बाय 365, मुझे पर डे का 110 रुपीज का प्रॉफिट है बैंक एफडी में। वन वीक में मेरा प्रॉफिट है 780 रुपीज का। तो मैंने 10 लॉट ऑप्शन सेल किया आउट द मनी 1 रुपीज पे, मैंने अर्न किया वन वीक में 450 रुपीज। मैं वही बैंक एफडी में 10 लाख रुपीज डालूंगा, मैं वन वीक में अर्न करूंगा 800 रुपीज। कौन सा फायदा है, रिस्क कहां है? आउट द मनी में मान लो निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर चला गया तो समझना होगा, जितना अंदर जाओगे। इन्वेस्टर सर जी फिर से बोल रहा हूं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी समझ जाओगे। ठीक है, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया आपको, बता दो मैंने गलत बोला क्या? एट द मनी लोगे फिर फायदा क्या? एट द मनी आप 10 रुपीज में सेल कर रहे हो, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी, वैसे ही आप लॉस में हो। ठीक है, मैं सब कुछ कर लिया हूँ सर जी, सब कुछ, तो मुझे चीजें बिल्कुल पता है कौन क्या है, बिल्कुल मैं बता रखा हूं ना, पैसे नहीं बनते, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। मैं बेट करता हूं पैसे नहीं बनते, बेट मतलब बेट,
मुझे प्रूफ करके दिखाओ पैसे बनते हैं, मैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा। बस एक ही शर्त है, आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या रिसर्च एनालिस्ट हो, या फिर मुझे किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट का एडवाइस दो। सिंगल मैं एक्सपर्ट है उसकी नहीं मानने वाला, एक्सपर्ट अपने घर की है, घर का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसको नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई क्या कर रहा मुझे मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड वाला मेरे पोर्टफोलियो में पैसे बनाकर दिखाता है तो वो चार्ज लेता है तो जस्टिफिकेबल है, और मुझे पता है कुछ भी करेगा तो कंप्लेन कहाँ करना है। वो अपने पोर्टफोलियो में पैसे नहीं बनाकर दिखाता मुझे, म्यूचुअल फंड वाला मेरे से पैसे लेता है मेरे पोर्टफोलियो में पैसे बनाकर दिखाता है, पीएमएस वाला मेरे से पैसे लेता है मेरे पोर्टफोलियो में पैसे बनाकर दिखाता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ चुका, ये सिंपल सिंपल मैथ है, करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। सर सुरे भाई वेदांता सर जी, सर लंबा टाइम वेट कर सकते हो तो भाई करो सर जी, मेरा फिलहाल अभी उस पर व्यू नहीं है। एमएमडी सर जी, नहीं सर जी मैं इसको नहीं बोलता हूँ सर जी आपको। सर बजाज कंज्यूमर को ग्रोथ और डिविडेंड के लिए ले सकते हैं सर जी, बजाज कंज्यूमर फिर से बोलता हूँ डिविडेंड के लिए कंपनी अच्छी है, इसको लंबा वेट करना तो ले सकते हो मेरे तरफ से, नहीं सर जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उस पर। बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म सिप सर जी, 33 स्टॉक का लिस्ट है मेरा, जाके आप देख सकते हो उसको। सर हीरो मोटोकॉर्प ऐड करूं, ईवी सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रही है सर जी, फिर से मैं सर जी हीरो मोटोकॉर्प मैं कब से बोल रहा हूँ, हीरो मोटोकॉर्प मारुति सुजुकी दोनों बेट करो आप। ऑटो सेक्टर नेक्स्ट 10 ईयर्स में वेल्थ क्रिएटर है सर जी, अब मुझे पता नहीं कब चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, टाटा कंज्यूमर फ्रेश बाय सर जी कर सकते हो सर इसको। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ टाटा मोटर्स एंड बीपीसीएल सर जी, टाटा मोटर्स में ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगी सर इसमें, अगर मान लो उसने कोई सेटअप नहीं किया तो पहले का, और किया हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, टाटा मोटर्स पीएसअप पीएस गेन की भी जो भी सेटअप है, क्योंकि कंपनी को भी जो है क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि जो आप लॉस पोस्ट करते हो उसको आप प्रॉफिट से सेटअप कर सकते हो, तो देखते हैं वो करती है तो कोई दिक्कत नहीं, बीबीसी का प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, वो देखते हैं कितना पोस्ट करने वाली है, डिविडेंड भी मिलेगा सर शायद आपको लगता है। एमटीसी सर जी, नहीं सर जी मैं ये लंबा वेट करना पड़ा सर जी, मेरे तरफ से ना है सर जी, एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, लॉन्ग टर्म अप्रॉक्स 3-4 ईयर्स के लिए ड्रोन सेक्टर में, नहीं नहीं सर जी मैं सर जी ये सब काम नहीं करता। सर जी आपको मिल जाएंगे सर जी, आपको एडवाइजर जो भी आपको बता रहे हैं सर जी, मेरा काम जो है क्लीन वाला काम है, बिल्कुल क्लीन वाला काम है। ठीक है, मुझे जो है इतने इफ एंड बट्स नहीं आते सर जी, मेरा काम क्लीन वाला है, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, मैं अंडू नहीं कर सकता चीज़ों को, मार्केट में चीज़ों को मैं अंडू नहीं कर सकता, या बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं जो चीज़ें देख चुका हूँ उसको मैं रिपीट नहीं करता। ठीक है, मुझे मतलब नहीं सही 10 times हो जाए पैसे, मेरा पैसा जो है मैं चाहता हूँ कि मतलब अब मैनेजमेंट कैसा है, मैं तो चाहता हूँ अच्छा पकड़ूँ लेकिन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तब भी जो है क्लीन रहता है, दिक्कत ना हो इन्वेस्टर को, वैसा जो है मैं स्टॉक चूज करता हूँ, ये दिस दैट वो इफ वाला जो है वर्कआउट कर नहीं करता सर जी, क्योंकि इन्वेस्टर सर जी सुनता नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर को जो है कुछ भी फायदा समझ में नहीं आता, प्रॉफिट दिख रहा है ठीक है, लॉस दिखेगा फिर उसको समझ में नहीं आता। शेयर मार्केट की न्यूज़ के लिए बेस्ट ऐप सर जी ई पेपर सर जी, फिर से बोल रहा हूँ, आप जो है आप यूज कर सकते हो, मिंट यूज कर सकते हो, मनी कंट्रोल यूज कर सकते हो, टीवी ट्रेन सर जी नहीं, टीवी ट्रेन मेरा जो है व्यू नहीं है सर जी। आप लाइटवेव थ्योरी कैसे काम करती है सर जी, ना सर जी मुझे पता नहीं, इसमें मैं काम नहीं करता कभी, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे सर जी कैसे काम करती है, आप देख लो सर जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो भी चीज़ें करो देखना पोर्टफोलियो वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा है, पोर्टफोलियो वर्कआउट कर रहा है तो ठीक है, पोर्टफोलियो वर्कआउट कर रहा है इन द सेंस कि इंडेक्स बीट कर रहा है तब ठीक है, नहीं कर रहा छोड़ देना सब कुछ। ठीक है, जो भी लगे 2 साल लगे 3 साल लगे 4 साल लगे सीखने, वर्कआउट कर रहा है ठीक है, नहीं वर्कआउट कर रहा है छोड़ देना। कंसीडरिंग टैक्सेशन विच व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस 33 म्यूचुअल फंड्स व्हेन अकाउंट इज इन्वेस्टेड इन 3 crore, सर आई डू इट इन 1 year और 6 or 7 years, मैं सवाल समझा नहीं। कंसीडरिंग टैक्सेशन व्हाट इज द प्रोसेस टू रिड्यूस 33 म्यूचुअल फंड्स व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड इज 3 crore, ओके सर आई डू इट इन 1 year और 6 or 7 years, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम जो टैक्स बचा सकते हो ठीक है, और डेट फंड है तो कोई चांसेस नहीं है, 3 ईयर से कम आपको सेल करना है, मान लो 1-3 crore का पोर्टफोलियो है, 1-10 crore का पोर्टफोलियो है, डेट फंड है, अगर आपका 3 जो भी पोर्टफोलियो है आपका, और आप 3 ईयर से पहले सेल करते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉ कोई रिबेट नहीं है, 3 ईयर्स के बाद आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा तो उसमें कोई चांसेस नहीं है। इक्विटी में मैं आपको एक चीज बता दूं, इक्विटी में आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप 1 lakh rupees पर ईयर जो है आप टैक्स बेनिफिट कर सकते हो ठीक है,
आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ नहीं पाऊँ, रिड्यूस क्यों करना है 33 म्यूचुअल फंड से, आपको म्यूचुअल फंड्स में आपको रिड्यूस करना है, स्विच भी करोगे तो आपको सेम लगने वाला है, स्विच भी करोगे तो भी आपको जो है वहां पे टैक्स देना ही होगा, क्योंकि यहां से सेल होगा वहां पे आपका बाय होगा, तो बेटर है सेल कर दो। कितना लगने वाला है? 6 लाख रुपीज का 30% 1.8 लाख रुपीज आप बचा लोगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपका 33 म्यूचुअल फंड है जो भी है, या 6 इयर्स का टाइम फ्रेम ले रहे हो, आपका जो भी चीजें हैं, आपको जो भी माइंड में है, आपने पूछा नहीं यहाँ पे, मैं तो मैं गाइड नहीं कर सकता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6-7 इयर्स में आप ये सोच रहे हो कि मैं पर ईयर 1 लाख रुपीज सेव कर लूँ, बस उतना ही बच सकता है, दूसरा आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं, ठीक है, वही आपका बच सकता है। तो 6-7 इयर्स के लिए आप क्यों वेट करना, आप पहले ही कर लो, जो भी आपको लगता है प्रॉफिट अच्छी हो रही है, मुझे डेट फंड में डालना है, तो आप 1.8 लाख रुपीस आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, मान लो नेक्स्ट ईयर आपको सेल करना मार्केट नीचे हो तो, उसके बाद सेल करना मार्केट नीचे हो तो, ठीक है, तो कुछ कंफर्म नहीं है। जो आपका गोल प्लानिंग है 33 म्यूचुअल फंड जो है और आपने होल्ड कर रखा है, तो कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल सेंस नहीं बनता आपका रिटर्न। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पार बिलो इंडेक्स, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उससे भी नीचे होगा। 33 म्यूचुअल फंड मतलब आपने ऑलमोस्ट 700-800 स्टॉक्स ले रखा है, 800 स्टॉक्स ले रखा है, 500 स्टॉक्स तो ऊपर ले रखा है, तो इससे अच्छा निफ्टी 50 होता है। तो जो भी आपका है वो आप देख लो क्या करना नहीं करना है। एज ए एडवाइजर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप निकाल लो जो भी आपका है, क्योंकि मार्केट फेवरेबल है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो भी होगा फेवरेबल है आपको। टैक्सेशन शॉर्ट टर्म होगा, नो डाउट, शॉर्ट टर्म 15% देना होगा, लॉन्ग टर्म है तो 10% देना होगा। तो दोनों साइड में जो भी करना कर सकते हो डिसीजन, आपने बोला नहीं मुझे क्या करना है, बोला हो तो मैं गाइड कर सकता था आपको। 5-6 इयर्स के लिए मैं वेट करने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, आपका गोल शॉर्ट टर्म वाला है, तो 1 लाख रुपीज सेव करके कुछ नहीं कर सकते आप। मान लो मार्केट नीचे है तो एनी हाउ आपको वेट करना पड़ेगा, फिर उस ईयर का आपको नेक्स्ट ईयर में सेल करना पड़ेगा, तो एनी हाउ आपको जो है बेनिफिट होने वाला नहीं। मार्केट फेवरेबल है अभी, ठीक है, आपको लगता है, या फिर कोई दूसरा प्लान हो आपके माइंड में तो अभी भी आप निकाल सकते हो, दूसरा ऑप्शन जो है 6-7 इयर्स का वेट करने का जो है मैं वर्कआउट नहीं करूंगा। अगर आपका ये प्लान है, 33 म्यूचुअल फंड है तो भी एनी हाउ वर्कआउट नहीं कर पाएगा, 3-4 मैक्सिमम 5 म्यूचुअल फंड मैं सोच रहा हूँ 6-7 इयर्स के लिए आप होल्ड करो, तभी वर्कआउट नहीं कर पाएगा। इंडेक्सेशन आपको जो है पैथेटिक रिटर्न ही डिलीवर करने वाला है, 33 म्यूचुअल फंड सेंस ही नहीं बनता। ठीक है सर, मुझे हेल्थ पॉलिसी लेनी है, बजट के बाद दूं अभी, एक्सपेक्ट बजट पॉलिसी कुछ हेल्थ सेक्टर को प्रेफरेंस मिलेगी? प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, आप अभी लो फरवरी में, देखो जो भी बजट अनाउंस होता है ना वो नेक्स्ट ईयर से लागू होता है, ठीक है, तो जो भी हुआ देख लेना, कोई बजट तो आपको प्राइस तो बढ़ने वाला है नहीं, आपको अर्जेंसी है तो अभी ले लो, नहीं अर्जेंसी है तो बजट के बाद ले लेना, ठीक है। वाई सेवी एंड एनएससी नॉट मेकिंग एनी फॉर डिक्लेयरिंग कंपनी रिजल्ट, सर वाई सेवी एंड एनएससी नॉट मेकिंग एनी फॉर डिक्लेयरिंग कंपनी रिजल्ट और कंपनी डिक्लेयरिंग एट नाइट 10 PM एंड कंपनी 10 PM, देयर शुड बी अ टाइम बाउंड, नहीं सर जी, सर जी उनको टाइम फ्रेम है क्वार्टर खत्म होने के बाद, अब 3 मंथ्स के अंदर 2 मंथ्स के अंदर, मैं टाइम फ्रेम याद नहीं मुझे, अब उससे पहले कभी भी अप्लाई कर पोस्ट कर सकते हो। तो कंपनी ये इथिकल मैनर फॉलो करती है कि अगर वो मार्केट आवर्स में देती है तो प्राइस मोमेंटम होने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो मार्केट आवर्स में जो अच्छी कंपनियां होती है मेनली रिजल्ट पोस्ट करने से बचती है, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सो कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। सेबी ने बोल रखा है, सेबी ने टाइम बॉन्ड दे रखा कंपनी को, आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है। सेबी ने टाइम बॉन्ड दे रखा है कि जो भी क्वार्टरली सेटलमेंट, क्वार्टरली ईयर एंड होता है आपका, क्वार्टरली क्वार्टर एंड होता है आपको, 2 मंथ शायद 2 मंथ है, 2 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट पोस्ट करना है एनएससी वेबसाइट, बीएससी वेबसाइट पोस्ट कर देती है, ठीक है, वो आपके बेनिफिट के लिए पोस्ट करे मार्केट आवर्स में, किसी और के बेनिफिट के लिए पोस्ट करे, ठीक है, बिल्कुल सही है सर जी, इसमें कोई इसका इसमें से भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सर अदानी विल्मर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं? सर जी हाँ, अप्लाई कर दो सर जी उसमें, ठीक है। आर पावर सर नहीं, सर बिल्कुल नहीं सर जी, आपका कंपनी है सर। जुबिलेंट फुटवर्क्स फेस बाय लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, सिपोन में आप ऐड कर सकते हो। सर अब मैं समझा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग ने सिर मार्केट में बैडमैन किया है, नहीं बदनाम नहीं किया, फिर से बोलता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग सर जी काम किसी और चीज के लिए, ऑप्शन बनाया बहुत अच्छा गया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन का काम क्या है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप यूटिलाइज किसी और चीज के लिए करते हो। मान लो मुझे ITC बाय करना है,
दिसंबर खत्म हो, जनवरी खत्म हो गया, फेब में मुझे मेरे 20 जो भी एक्सपायरी हो, मैं बता रहा हूँ एक्सपायरी इसका कब होगा, एक्सपायरी होने वाला फेब में, बता रहा हूँ इसका एक्सपायरी कब है, लास्ट थर्सडे को होने वाला है ना, तो लास्ट थर्सडे इसका जो है 24th को है, तो मान लो 24th फेब को जो है क्या बोलते हैं एक्सपायरी, ठीक है, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ में आईटीसी अच्छा परफॉर्म करेगा, नेक्स्ट मंथ आईटीसी अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे ये रैली छोड़नी नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम जो है उसका पैसा है कि मैं उतना पैसा दे सकता हूं, दो चीजें हैं, या तो मैं गैम्बलिंग कर लूं, पैसा पे करो, ठीक है, ऊपर चला गया आईटीसी तो मेरे पैसे बन जाएंगे, नीचे गया तो पैसे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, या दूसरा मुझे पता 24th फेब को एक्सपायरी है, 20th फेब को मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आने वाले 10 लाख रुपीज, मैं 1 लॉट बाई कर सकता हूं। मैंने क्या किया, 5,000 रुपीज दे के या 10,000 रुपीज दे के मैंने कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया 214 पे आईटीसी, जो भी 3,200 का लॉट साइज है इंटू 3 रुपीज, मैंने 9,600 रुपीज पे किए, कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया मतलब भाई साहब मैं आईटीसी 215 पे ही खरीदने वाला हूं, सेलर बोला ठीक है मुझे मतलब नहीं, मैंने आपसे पैसे लिए, सेलर को कंपल्सर है उसको बेचना ही बेचना है, उसी रेट पे बेचना है जिस रेट पे बायर खरीदा, तो आपने क्या किया 215 पे कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया, कितने पे करके 9,600 पे करके। अब दो सिनेरियो है, मान लो 24th फेब को आईटीसी 250 पे आपको बाई करना है, फ्यूचर का मार्जिन पड़ा हुआ आपके पास, आपको लगता है 2-300 आने वाला है, तो आप पूरा का पैसा पे करो, कितना पे 214 पे, आपका बाइंग प्राइस 215 का ही है, पूरा प्रॉफिट आपके, बाकी ऊपर का जो प्रॉफिट है वो आपके बैंक अकाउंट में। दूसरा सिनेरियो मान लो आईटीसी चला गया 210 पे, मैंने जो 9,600 रुपीज पे किया था जीरो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास फ्यूचर का मार्जिन पड़ा हुआ है, मैं 1 लॉट 210 पे आईटीसी बाय करके छोड़ दिया, मेरा बाइंग प्राइस कितना हो गया 210 रुपीज, प्लस मैंने 3 रुपीज क्या क्या बोलते हैं प्रीमियम लॉस किया है, वो जो मेरा 9,600 रुपीज था वो मैंने जीरो कर दिया, तो मेरा बाइंग प्राइस हो गया 213 रुपीज। अब 214 पे जाएगा आईटीसी, मेरा प्रॉफिट है, उसमें 3 रुपीज का लॉस भी कवर है ऑप्शन का, और मेरा फ्यूचर का फ्यूचर मार्जिन है, तो ऑप्शन बनाया इसलिए गया है, आप सब करते कुछ और काम हो, बदनाम किस बात का, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए ऑप्शन द बेस्ट है, जिसके पास फ्यूचर मार्जिन है पैसे हैं ऑप्शन द बेस्ट है, टाइम फ्रेम है उसके पास फ्यूचर का मार्जिन है, ऑप्शन से अच्छा कुछ है ही नहीं, खेले कितना खेलना है, पैसे हैं डाले पैसे, बस वेट करे बस, आज नहीं तो कल चीजें ऊपर आती हैं, अच्छी कंपनी है तो बनाया इसलिए गया ऑप्शन, आप सब करते कुछ दूसरा काम, ठीक। एनएचपीसी सर जी, नहीं मेरे पास नहीं है सर जी पॉइंट ऑफ व्यू, इंडेक्स फंड कैसे बाय करते सर जी, जैसे आप स्टॉक बाय करते वैसे ही बाय करना है इंडेक्स फंड को, ठीक है सर, खुद से आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, मेरा वीडियो अवेलेबल है जाके चेक कर, ठीक है सर। अभी मेरा एज 28 प्लस रिटायरमेंट प्लान के लिए लॉन्ग टर्म स्टॉक छोड़ दो सर जी, एनपीएस, मैं सर जी ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 20 या 30 ऐसे क्लाइंट से मीट किया हूँ मैं, रिटायरमेंट प्लान के नाम से पैसे डाले, ठीक है, और उसका रिक्वायरमेंट कुछ हो गया, डॉटर की शादी, घर खरीदना, वैकेशन जाना, उसने रिटायरमेंट वाले पैसे को रिडीम कर लिया, ये मैं बहुतों को देख चुका हूँ, तो मैं मैं बोल रखा ना, मैंने इंडियन इन्वेस्टर का मुझे मेंटेलिटी पता चल चुका है, मैं इतने क्लाइंट से मीट किया हूँ इतना पता चल चुका है, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट आपको सेफली एंजॉय करना है, एनपीएस दूसरा ऑप्शन नहीं, आप कितना भी फिलॉसफी बोल दो मुझे ये होने वाला वो होने वाला है, ठीक है मेरा काम है आपके गोल को रीच करवाना, आपको नहीं करना तो वो बात अलग है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, आप 28 ईयर्स को हो, 32 ईयर्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, ठीक है, चीजें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, आप पैसे वहीं से निकालोगे जहां से आपको इजीली विड्रॉल अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, 60 ईयर्स के आप होने वाले हो,
गवर्नमेंट जॉब है नहीं आपको, कि गवर्नमेंट जॉब भी एनपीएस में डालती है, वहां से पैसे निकल नहीं सकते, तो आपको पेंशन मिलने वाला कुछ ना कुछ, तो आपको प्लानिंग अभी से ही करनी होगी। ठीक है, मैं फैक्ट बताता हूँ सर, मैं काम किया हूँ इस फील्ड में, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा वैसे एयर में जो है, मैं कुछ बोलता नहीं है, ये हो गया वो हो गया, मैं पूरा फैक्ट है, मैं जो जो चीजें देख चुका हूँ 8 ईयर्स में, वही फैक्ट बोलता हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों, पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे सर जी, मैं लिख के बोलता हूँ नहीं बनेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, कर सकते हो सर जी स्टॉक्स में, फिर से बोलता हूँ, सिस्टमेटिक नहीं हो आप, जितने पैसे हैं आपका, जितना सेविंग्स करते हो, मतलब 20% आप सेविंग करते हो अपने पैसे का, जो भी आपका इनकम हो रहा है उसमें 20% में 15% आप स्टॉक में डालो, म्यूचुअल फंड डालो, 5% पैसे जो है एनपीएस में डालो, बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। जी सर, सर जी कर सकते हो सर जी, आप 1 ईयर में 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो और हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, तो कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे दोबारा, तो टैक्स देना होगा, देना होगा। गवर्नमेंट बोलती है आपको क्या, गवर्नमेंट बोलती है मूर्ति तुमने स्टॉक सेल कर दिया, अब दूसरा स्टॉक बाय कर लो, मैं टैक्स नहीं लूंगा। गवर्नमेंट बोलती है क्यों सेल किया, अक्सर बोलता हूँ सेल करने का क्यों बाय किया, आप टैक्स पे कर दो पहले मुझे, फिर उसका जो भी करना करो, गैम्बलिंग करना है, गोवा जाना है, कहीं भी जाना जाओ, डिपेंड करता है। एचडीसी जी बने रह सकते हो, अल्ट्राटेक एचडीसी एचडीसी लाइफ और 10-15 सर जी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अदानी ग्रुप आईपीओ का सर जी आप अप्लाई कर सकते हो, बाद ही ले लूँ सर जी। हाँ मैं सर जी मार्केट लीडर से, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑयल्स में आप ले सकते हो, पहले अप्लाई करो, इसका मुझे आइडिया है, नीचे मैं बता दूंगा क्या करना नहीं करना है। कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो, कि एफबीएल से नहीं, इसका मेरा व्यू नहीं है। हाँ सर जी मैं बोल, मुझे पता है सर जी, मुझे चीजें सब कुछ पता है, मुझे कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अकाउंटिंग छोड़ के, अकाउंटिंग में मैंने मेहनत नहीं कर रखी, अकाउंटिंग में कर रहा हूँ जो भी चीजें हैं, बाकी स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है मुझे। ठीक है, मैंने मेहनत कर रखा है, बहुत मेहनत कर रखा है इसके ऊपर, पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। आप क्या पूछोगे मुझे, क्या बताना है सर। आईसीसी बैंक 18.5 में लिया, कितना दिन बाद होल्ड, सर कितना दिन तक होल्ड करो सर जी, सर 3 to 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके पास। आईसीसी निफ्टी जो स्टॉक्स है वो ईटीएफ है क्या, फिर एक सेपरेट स्टॉक्स है सर, आईसीसी निफ्टी जो है वो ईटीएफ होगा सर जी, या एनएफओ होगा, सॉरी बोलता हूँ फंड ऑफ फंड होगा, तो ईटीएफ है, तो आप उसको जो है एज ए बाय सेल कर सकते हो, विप्रो ऐड कर सकते हो, सिप मोड में रहना बेटर ऑप्शन रहेगा। एनपीएस और ओपीएस कौन सा बेटर है सर, ओपीएस मतलब क्या होता है सर जी, आप मुझे थोड़ा गाइड करना, मुझे आइडिया नहीं है ओपीएस का मतलब क्या बोल रहे हो, ओपीएस कुछ होता नहीं सर जी। ठीक है, एनपीएस आप ऐड कर सकते हो सर जी, रिटायरमेंट के लिए द बेस्ट है। ओपीएस का फुल फॉर्म बताओ मुझे, मैं ओपीएस मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, बदर सेशन में डेली फार्म एफ एंड ओ करें, डेली एफ एंड ओ कैसे करें, मैं सवाल समझा नहीं सर जी, सर एफ एंड ओ करोगे, फिर से बोल रहा हूँ आप चीजें तैयार रखना सर जी, वीडियोस अवेलेबल हैं एफ एंड ओ कैसे करते हैं। ठीक है, कंसर्न है एफ एंड ओ में, मैंने बता रखा है सर। क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हाँ सर जी मैं जो स्टॉक्स बोलता हूँ एचडीएफसी लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंडेक्स फंड कैसे बाय करें सर जी, जैसे आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो वैसे ही बाय करना है इंडेक्स फंड। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का लाइव हो गया, कल फिर मिलते हैं 8 PM, तब तक गुड नाइट बाय।